विश्व मुक्त खेती और समृद्ध किसान, इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी कहावत है और उस कहावत में ऐसा कहा जाता है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। ये हिंदी में कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि खेती जीवन में सबसे उत्तम काम है, सबसे अच्छा काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है, और व्यापार करना मध्यम दर्जे का काम है, बीच के स्तर का काम है, और नौकरी करना किसी की भी ये सबसे निचले दर्जे का काम है। इसको कुत्ते जैसा काम माना गया है कि जो कुत्ता करता है वो काम नौकरी करने जैसा है। करे चाकरी कुकर निदान, कुकर कुत्ते को कहते हैं। तो हमारे यहां नौकरी करना सबसे खराब काम है, व्यापार करना उससे थोड़ा बेहतर काम है, और खेती करना सबसे अच्छा सबसे उत्तम काम है। ये भारत में हजारों साल से चला आया, लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में कुछ उल्टा हो गया हमारे देश में। पिछले 25-30 वर्षों में ऐसा हो गया है कि खेती सबसे खराब काम है, व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है, और नौकरी सबसे अच्छा काम हो गया है। इस देश में जो भी बेरोजगार किसी व्यक्ति को आप मिलेंगे और पूछेंगे भाई क्या करना चाहते हो, तो नौकरी करना चाहता है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी ही करना चाहता है। बड़े बड़े हमारे देश के विद्यार्थी, बड़े बड़े से मतलब जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, 5-7 साल लगातार मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनसे भी पूछो तो वो भी नौकरी करना ही चाहते हैं। किसी न किसी नौकरी में उनको जगह मिल जाए, सरकार की नौकरी हो या निजी क्षेत्र की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो। तो नौकरी इस समय सबसे अच्छा काम हो गया भारत में, व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है, और खेती सबसे खराब काम हो गया। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण यह है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले, वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में, उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है, आप अंदाजा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूं। हमारे किसान खेती करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रासायनिक खाद खरीदने में। ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं, 1990-91 में यूरिया का एक पैकेट लगभग 60-70 रुपए के बीच में आता था, और एक पैकेट 50 किलो का होता था। अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदे तो लगभग 270 रुपए का आता है, वो सरकारी आंकड़ा है। और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का 50 किलो का बोरा 350-400 रुपए तक भी बिकता जाता है हमारे देश में, जिसको ब्लैक में बिक्री हम कहते हैं। इसी तरह एक जमाने में 3-4 रुपए किलो तक डीएपी आता था, अब वो डीएपी 23 रुपए किलो है। एक जमाने में 2-2.5 रुपए किलो का सिंगल सुपर फॉस्फेट होता था, 40 रुपए किलो है। माने अगर आप इसको अनुपात में निकालें या गुने में निकालें तो यूरिया पिछले 10-15 वर्षों में 7 गुना महंगा हो गया, डीएपी तो लगभग 8-9 गुना महंगा हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 7-8 गुना महंगा हो गया। इसी तरह से किसान के काम आने वाला डीजल, जो कभी 3-3.5 रुपए लीटर बिका करता था, अब 38-40 रुपए लीटर, 10 गुना महंगा हो गया। माने किसान के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, 5 गुने 7 गुने 8 गुने 10 गुने। और किसान जो रासायनिक कीटनाशक और जंतुनाशक खरीदते और इस्तेमाल करते रहे हैं, जो जंतुनाशक जो रासायनिक कीटनाशक 100 रुपए लीटर, 150-200 रुपए लीटर आते थे, आज उनकी कीमत 15,000 रुपए लीटर तक पहुंच गई। 20,000 रुपए लीटर तक हमारे यहाँ जंतुनाशक और कीटनाशक बिक रहे हैं। तो सैकड़ों गुना महंगा किसानों के लिए जंतुनाशक कीटनाशक, और कई गुना महंगी खाद रासायनिक, ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। किसान का गेहूं आज से करीब 15-16 साल पहले 7-8 रुपए किलो बिकता था,
अब वो 10 रुपए किलो है। तो गेहूं के भाव में बढ़ोतरी मुश्किल से मुश्किल 15-20% हुई है, और रासायनिक खाद के भाव में बढ़ोतरी 7 से 8 गुना ज्यादा हो गई है। अगर प्रतिशत में आप निकालेंगे तो सैकड़ों प्रतिशत में वृद्धि हुई है खाद की कीमत में, लेकिन गेहूं की कीमत जो खरीदने वाली है सरकार के द्वारा 20% की ही वृद्धि हुई है। इसी तरह धान की बात करें, आज धान खरीदा जाता है सारे भारत देश में 700 से 800 रुपए क्विंटल, और आज से 12-13 साल 15 साल पहले तक खरीदा जाता था 500 रुपए क्विंटल। तो धान की कीमत में भी 20-25% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धान पैदा करने के लिए जो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट लगता है या कीटनाशक लगते हैं उनकी कीमतों में 700-800% की वृद्धि हो चुकी है। तो किसान जो बेचे उसकी कीमत तो ज्यादा बढ़ती नहीं है, किसान जो बाजार से खरीदे वो कई गुना ज्यादा महंगा हो गया है। तो पूरी की पूरी खेती घाटे में चली गई है। अब इस घाटे की खेती को करने में किसान की जो समस्या आ रही है वो ये कि वो जब भी खेती करता है, फसल निर्माण करता है, फसल उत्पादन होती है, बिक्री होते ही सारा पैसा किसान के हाथ से निकल जाता है। वो या तो खाद खरीदने वाली कंपनियों के जेब में, या कीटनाशक खरीदने वाली बेचने वाली कंपनियों की जेब में, या किसान के लिए बीज बेचने वाली कंपनियों की जेब में, किसान के पास कुछ नहीं बचता। तो दैनिक जीवन के काम चलाने के लिए किसान फिर कर्ज लेना शुरू करता है, फिर कर्ज का ब्याज भरना पड़ता है, फिर और कर्ज बढ़ जाता है, फिर और ब्याज देना पड़ता है। और आपको शायद जानकर ये तकलीफ होगी, दुख होगा कि भारत में किसान अकेला एक समूह है जो चक्रवर्ती ब्याज देता है कर्ज पर। हम शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है, बैंक से कर्ज लेते हैं, साधारण ब्याज दर पर हमें बैंक का कर्ज मिल जाता है। हम शहरों में रहते हैं, गाड़ियां चाहिए हमको, गाड़ी खरीदने के लिए साधारण ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है। लेकिन किसान अपने खेत में ट्रैक्टर अगर चलाने के लिए ट्रैक्टर खरीदे, बैल खरीदे, किसान जंतुनाशक खरीदे, कीटनाशक खरीदे, उसके लिए कर्ज लेना पड़े सहकारी संस्थाओं से, पत संस्थाओं से, तो चक्रवर्ती ब्याज पे कर्ज मिलता है किसानों को। और आप जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज दुनिया में सबसे खतरनाक होती है। मैं एक दिन ऐसे ही मनोरंजन के लिए एक छोटा सा आकलन कर रहा था कि मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कहीं से कर्ज ले लूं, मान लीजिए 1% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 100 रुपए का कर्ज मैं ले लूं, मात्र 1% की चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 100 रुपए का कर्ज ले लूं, तो 250 से 300 साल में वो कर्ज इतना हो जाता है कि संपूर्ण भारत देश की पृथ्वी के बराबर का सोना अगर मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। इतना खतरनाक होता है चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर। आप में से गणित के कोई विद्यार्थी रहे हो तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा किसान इसी चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फंसा हुआ है। इस देश का एक भी किसान भाई बहन ऐसा नहीं है जो कर्जदार न हो, क्योंकि खेती में उत्पादन के लिए जो खर्च है वो बहुत ज्यादा और बिक्री के लिए जो लाभ है वो बहुत कम। तो हर एक किसान कर्जे में फंसा है। उस कर्जे के दुष्चक्र में अंतिम नतीजा जो निकलता है किसान के लिए वो ये कि जब वो किसी भी तरह से कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं होता तो उसका घर गिरवी रखता है, उसकी जमीन गिरवी रखी जाती है, उसके पत्नी के गहने जेवर गिरवी रखे जाते हैं, दागीने गिरवी रखे जाते हैं, अंत में गाय बैल भैंस उसके गिरवी रख जाते हैं। और जब सब कुछ गिरवी रख जाता है उसके बावजूद कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर, साहूकार उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है वसूली के लिए, तो किसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो आत्महत्या कर लेता है। हमारे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 56,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं इस देश में, और सरकार खुद मानती है जो FIR के रूप में दर्ज होते हैं वो 56,000 हैं। अगर FIR ना हो और किसानों की आत्महत्याएं हो, सरकार को पता ही ना चले, पुलिस को रिपोर्ट ना कराई जाए, ऐसी आत्महत्याओं को जोड़ा जाए तो वो 1,00,000 से ऊपर निकलता है। हमारे देश के जो राज्य जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, फिर आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, ये ऐसे 6-7 राज्य सारे देश में बदनाम हो गए हैं
किसानों की आत्महत्या के लिए। भारत सरकार समय समय पर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का सर्वेक्षण कराती है और उन परिवारों से पूछा जाता है कि आखिर अब बताइए आपके घर में परिवार में आत्महत्या क्यों हुई, तो सभी परिवारों के मुंह से एक ही जवाब सुनने को मिलता है, वो ये कि हमारी पूरी खेती गिरवी रख गई, हमारे गाय बैल भैंस गिरवी रख गए, घर के आभूषण गहने गिरवी रखे जा चुके हैं, संपत्ति के नाम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है और साहूकार का कर्ज अभी बाकी है वो देना है, बैंक का कर्ज अभी बाकी है वो देना है और फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है कि हम कर्ज पूरा वापस दे सकें, अगली फसल करने के लिए भी जेब में पैसा नहीं है, अगली फसल के लिए कोई बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है क्योंकि पुराना कर्ज वापस करने की हमारी हैसियत नहीं है, उस स्थिति में क्या करें, आत्महत्या ही एक आखिरी उपाय बचता है। ये जवाब उन सभी किसान परिवारों के मुंह से सुनने को मिला है जिनके यहाँ आत्महत्या हुई है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ नाम का इलाका है जहां पिछले 10 साल में रहता रहा वर्धा सेवाग्राम, ये विदर्भ तो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए। इसी तरह आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका है वरंगल के आसपास का, वो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए। पंजाब में भटिंडा के आसपास का पूरा इलाका है सारे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए। केरल में कासरगोड का इलाका है पूरे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए। कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक दक्षिणी कर्नाटक बदनाम हो रहा है किसानों की आत्महत्या के लिए। धीरे 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 ये बीमारी गहरी होती जा रही है। आखिर आप जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रख के कि कोई किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, ये तो अंतिम फैसला है और ये अंतिम फैसला कितने बड़े दर्द के बीच वो करता होगा। कोई व्यक्ति सामान्य रूप से मरना नहीं चाहता, जिसने जीवन पाया है वो जीवन के आखिरी समय तक संघर्ष करता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन किसान हमारे देश में इतना संवेदनशील बन गया है कि वो जीवन को ही खत्म कर लेता है एक मिनट में। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारा किसान जिन दवाओं को लाता है कीड़े मारने के लिए, जंतु मारने के लिए, कीटनाशक मारने के लिए, उन्हीं दवाओं को पीकर वो खुद मर जाता है। इससे बड़ा अफसोस और विडंबना इस देश में क्या हो सकती है। और ये सारा का सारा दुष्चक्र हमारे देश में किसानों के कर्जे का, कर्जे में फंसकर आत्महत्या करने का, ये जुड़ा हुआ है खेती के घाटे से और खेती का घाटा जुड़ा हुआ है उस व्यवस्था से जिसमें किसान के काम आने वाला यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट तो महंगा होता जाए, कीटनाशक जंतुनाशक तो महंगा होता जाए, किसान के बीज तो महंगे होते जाए, लेकिन किसान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं लगातार सस्ती से सस्ती बिकें और कम से कम पैसा किसानों को मिले। कारण क्या है इसका? किसानों के द्वारा जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं, गेहूं, चना, दाल आदि आदि सैकड़ों हजारों किस्म की चीजें किसान भाई पैदा करते हैं, इनका सस्ते से सस्ता बिकने का कारण है अंग्रेजों सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून जो भारत में आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है, और वो कानून का नाम है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये है कि किसान जो भी कुछ पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद तय नहीं करेंगे, सरकार उसका भाव तय करेगी। और सरकार जब इसका भाव तय करती है खेती के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का, तो उसमें सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ होता है वो ये कि किसान जो गेहूं, चना, चावल, दाल आदि पैदा करता है, इसको पैदा करने के लिए किसान जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, उस श्रम का, उसकी मेहनत का मूल्य सरकार उसको नहीं देती है। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसान साल में 365 दिन खेत में काम करता है और उसको जब फसल का भाव तय करने के लिए सूत्र बनाया जाता है उसमें किसान की मेहनत सिर्फ 2.5 से 3 महीने की जोड़ी जाती है, जबकि किसान पूरे साल खेत में काम करता है। 365 दिन खेत में काम करता है किसान और 120 दिन की उसके श्रम की कीमत उसके फसल के मूल्य को तय करने में जोड़ी जाती है। मतलब सीधा सा ये है कि 8 से 9 महीने का किसान का जो श्रम है वो बेगार का श्रम होता है, वो बिना किसी पैसे के सरकार के द्वारा गणना उसकी कर दी जाती है।
एक तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि 365 दिन किसान काम कर रहा है, उसका श्रम सिर्फ 3 से 4 महीने का जोड़ा जाएगा। दूसरा धोखा किसानों के साथ ही होता है, वो ये कि किसान जो खेत में मेहनत करता है उस श्रम का मूल्य भारत में सबसे कम लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करे, चतुर्थ क्लास कर्मचारी होने की स्तर की, उसका भी श्रम का मूल्य किसानों से ज्यादा है। हमारे देश के बैंक में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक दिन में बड़े आराम से 300 से 400 रुपए अपनी मेहनत का श्रम का मूल्य पा लेता है, लेकिन किसान को अपनी मेहनत का, अपने श्रम का एक दिन का मूल्य 100 रुपए से ज्यादा कभी सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता। और ये 100 रुपए भी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है। 2-3 वर्ष पहले तक तो 60 रुपए ही गिना जाता था किसान की मेहनत का एक दिन का मूल्य। और इससे भी बड़ा दुख है, अफसोस है, वो ये कि किसान काम करता है खेत में अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, लेकिन जब उसके श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है तो सिर्फ अकेला। उसका पूरा परिवार काम करता, उसकी पत्नी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, उनका श्रम का मूल्य सरकार जोड़ती ही नहीं है उसमें। और इस कारण से खेती के द्वारा पैदा होने वाली हर चीज इस देश में बहुत सस्ती है। गेहूं 10-11 रुपए किलो, चावल 6-7 रुपए किलो में सरकार खरीद लेती है, कपास वगैरह 12 से 15 रुपए किलो में खरीद लिया जाता है, बहुत आंदोलन हो तो 20 रुपए किलो का भाव मिल जाता है, शुगर केन गन्ना वो सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में किसानों के खेतों में से। और सबसे एक और मुश्किल की बात है कि किसानों से ये सब सरकार खरीद लेती है और उसका भुगतान एक एक साल तक किसानों को नहीं होता। आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गन्ना बेचने के लिए किसान जो जो मिलों में जाता है, शुगर मिल में जाता है, वहां के रिकॉर्ड्स आप चेक कर लीजिए, किसी भी किसान को कोई भी शुगर मिल तुरंत भुगतान नहीं करती, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद, कहीं कहीं तो 2-2 साल के बाद। और ये जो महाराष्ट्र की कहानी है वो पूरे देश की कहानी है। कपास बेच देते हैं किसान, 6-6 महीने, साल साल भर उनका भुगतान नहीं होता है, सरकार उसको बेचकर मुनाफा कमाती रहती है, धंधा करती रहती है, किसान की जेब में पैसा नहीं आ पाता। तो इन सब कारणों से किसान की आमदनी हमेशा कम रहती है और खर्चे उसके हमेशा से ज्यादा रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आप इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसान हूं, आप किसान हैं, बाजार में जाकर एक साबुन खरीदे 15 रुपए का, तो 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए 1.5 किलो गेहूं बेचना पड़ जाएगा, 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए कम से कम 2 किलो धान बेचना पड़ जाएगा। अगर 1.5 किलो गेहूं का मूल्य हम जांचने की कोशिश करें तो 1.5 किलो गेहूं से अगर आटा बना दिया जाए, आटे की रोटी बना दी जाए, तो 2 परिवार के लिए पर्याप्त होगी। तो जितने में 2 परिवार का पेट भर जाएगा, उतने रुपए का गेहूं बेचकर 100 ग्राम साबुन हम बाजार से खरीद पाएंगे। मतलब सीधा सा ये है कि साबुन का मूल्य और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, गेहूं का मूल्य और उसकी कीमत बहुत कम है। कारण उसका यही है, साबुन पैदा करने वाले जो उद्योगपति हैं उनको साबुन का भाव तय करने का अधिकार है। किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको अपना भाव तय करने का ही अधिकार नहीं है। और तय भी करे तो सरकार इस फॉर्मूले से तय करती है कि उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमतें अलग तरीके से तय की जाती हैं, खेती में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें बिल्कुल अलग तरीके से तय की जाती हैं। उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनका श्रम मूल्य बाजार के हिसाब से होता है और किसान जो खेतों में काम करता है उनका श्रम मूल्य सबसे कम होता है। इसलिए किसान के ऊपर ये अत्याचार है और इसलिए खेती अभी घाटे का सौदा होती चली जा रही है। खेती के घाटे का सौदा होने का जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को समझ में आता है वो ये कि किसान के द्वारा खरीदा जाने वाला रासायनिक खाद, जंतुनाशक, कीटनाशक, ये उनका सबसे बड़ा खर्चा है। एक औसतन अगर मैं बात करूं तो किसान की जिंदगी की आमदनी का 60% हिस्सा रासायनिक खाद खरीदने में चला जाता है, 20% हिस्सा जंतुनाशक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, और बाकी का जो 20% बचा हुआ किसान का हिस्सा होता है वो उसकी दैनिक जीवन के काम करने में खर्च हो जाता है। बेटे बेटियों का विवाह करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, मुकदमेबाजी है, उसमें बिजली का बिल है और दूसरे तरह के खर्चे में बाकी 20% निकल जाता है। किसान के पास जमा कुछ भी नहीं बचता, इसलिए वो हमेशा कर्जदार रहता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, किसान की जिंदगी के जीवन के खर्चे को अगर हम अलग कर दें जो 20% का है, तो बाकी का जो 80% का खर्चा किसान की जिंदगी का है वो तो रासायनिक खाद, जंतुनाशक और कीटनाशक का
ऐसा ही है। और पिछले आजादी के 40-45 वर्षों में खासकर किसानों के बीच में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया है, वो ये कि किसान अगर रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, कीटनाशक नहीं डालेंगे तो फसल खत्म हो जाएगी, जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी। तो पिछले 40 साल से भारत के बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय हमारे किसानों को ये समझाते चले आ रहे हैं कि आपको तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ेगा, आपको तो जंतुनाशक डालना ही पड़ेगा, कीटनाशक डालना ही पड़ेगा, बिना उसके खेत में उत्पादन नहीं होगा। तो ये जो डर और भय हमारे किसान भाइयों के मन में बैठ गया, इस डर और भय का अंतिम दुष्परिणाम ये है कि किसानों की जिंदगी का 80% खर्चा रासायनिक खाद, कीटनाशक और जंतुनाशक में जा रहा है। भारत के बारे में जरा जानने की कोशिश करें कि ये रासायनिक खाद, कीटनाशक, जंतुनाशक कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है। तो भारत सरकार के सन 2004-2005 के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2008 और 2009 के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं, जो सबसे लेटेस्ट सरकार के डेटा हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो 2005 और 2004 के हैं। वो ये बताते हैं कि हर साल भारत के किसान अपने खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल देते हैं। यूरिया, डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब तरह की रासायनिक खाद मिलाकर 1,90,00,000 मीट्रिक टन। अगर इसको हेक्टेयर के हिसाब से निकाला जाए तो भारत के एक हेक्टेयर खेत में लगभग हर साल 114 किलोग्राम रासायनिक खाद डाली जाती है एक हेक्टेयर खेत में। और अगर इसको बाहर से आने वाली खाद के साथ जोड़ दिया जाए, सरकार का यह कहना है कि 1,90,00,000 मीट्रिक टन खाद पूरी नहीं पड़ती, इसमें कमी आती है, तो करीब 40,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद सरकार हर साल विदेशों से आयात करती है। और वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। अब ये पूरी की पूरी खाद जो हमारे खेतों में डाली जा रही है इसका मूल्य कितना है, और इसके साथ जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं उसका मूल्य कितना है, वो भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो खाद डालते हैं रासायनिक, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आदि आदि, इसके बारे में सभी वैज्ञानिकों का जो शोध है वो ये कहता है कि जितनी ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे उतने ही ज्यादा जीव जंतु आपके खेत के फसल को बर्बाद करेंगे। ये बड़ा अजीब सा है, ये जो संबंध है ना, खाद ज्यादा डालो तो ज्यादा से ज्यादा कीड़े आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे तो उनको मारने के लिए फिर जंतुनाशक और डालो, फिर कीटनाशक और डालो, माने खाद ज्यादा डालने का दुष्परिणाम ज्यादा जहर डालना अपने खेत में जंतुनाशक और कीटनाशक के रूप में। हमारे देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के 1950-52 में हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में मुश्किल से 3 किलो रासायनिक खाद पड़ती थी, तब हमारे देश में जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे कम बिकते थे। अब हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में 114 किलोग्राम खाद पड़ जाती है तो जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे ज्यादा बिकते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि पिछले 1952 से 2009 के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा यूरिया, डीएपी हमने खेत में डाला है उतना ही ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि उतने ही ज्यादा कीड़े हमारी फसल पर लगना शुरू हुए हैं। ये चक्कर क्या है ये जरा समझना चाहिए, सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं। होता क्या है कि जब हम यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी में किसान की मदद करने वाले, फसल की मदद करने वाले करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं। आपने बचपन में थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा होगा, कृषि विज्ञान, तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक मित्र जीव और एक शत्रु जीव, एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। हमारे खेत की मिट्टी में किसानों की मदद करने वाले भी जीव हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं। जब हम यूरिया, डीएपी ज्यादा डालते हैं तो किसानों की मदद करने वाले जो मित्र कीट होते हैं वो सब मर जाते हैं, मित्र जीव सब मर जाते हैं, और उनके मर जाने के कारण जो शत्रु कीट और शत्रु जीव हैं वो फसल पर हावी हो जाते हैं और फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और किसानों को वो नुकसान से बचने के लिए फिर बहुत ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है और उससे खेती का खर्च बहुत बढ़ता चला जाता है। हमारे देश के
खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन जो रासायनिक खाद डाला जा रहा है उसके कारण हर साल 90,000 मीट्रिक टन कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है। अब 90,000 मीट्रिक टन जंतुनाशक और कीटनाशक हम खेत में डाल देते हैं और 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल देते हैं, दोनों जहर अगर मिला लिया जाए तो ये कहां पहुंचेगा और किस स्तर पर हमको प्रभावित कर रहा है, इसको जरा समझें। हमारे भारत में 115 करोड़ लोग रहते हैं जो भोजन करते हैं। आपको मालूम है जितना रासायनिक खाद जंतुनाशक कीटनाशक हम खेत में डालेंगे वो सब मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पौधों की जड़ों में आएगा, पौधों की जड़ों से तने में आएगा, पत्ते में आएगा, फल में आएगा और अंतिम रूप से वो आपके पेट में आएगा। अगर खेत में गेहूं पैदा किया गया यूरिया डीएपी से और उसमें कीटनाशक जंतुनाशक डाला गया तो उस गेहूं को जो भी खाएगा उसके पेट में वो कीटनाशक जहर जाएगा ही, उसके पेट में वो रासायनिक खाद का जहर जाने ही वाला है। इसी तरह से धान के खेत में, इसी तरह से दालों के सब्जियों के खेत में, जो भी खेत में आप डालेंगे अंतिम रूप से वो आपके पेट में आने वाला है। तो उस हिसाब से कुछ मैंने निकालने की जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक साल में जितना कीटनाशक हमारे खेतों में डाला जाता है और एक साल में जितना यूरिया डीएपी रासायनिक खाद खेतों में डाला जाता है अंत में वो हमारे पेट में आता है, तो भारत देश के हर व्यक्ति के पेट में साल में 1 किलो 700 ग्राम तो रासायनिक खाद चला जाता है, 1 किलो 700 ग्राम। और कीटनाशकों का जो जहर है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का, वो करीब करीब 200 ग्राम हमारे हर व्यक्ति के पेट में चला जाता है। माने हर साल भारत का व्यक्ति 1 किलो 700 ग्राम तो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट खा रहा है और करीब 200 ग्राम भारत का हर व्यक्ति कीटनाशक जंतुनाशक, जिनको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, डीडीटी, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड आदि आदि नामों से जिन कीटनाशकों और जंतुनाशकों को हम जानते हैं, ये हर साल हर व्यक्ति के पेट में 200 ग्राम जा रहे हैं और रासायनिक खाद के रूप में 1 किलो 700 ग्राम जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि भगवान ने आपको दो अच्छे से किडनी दे रखी है जो इस जहर की सफाई करती रहती है, और अगर जहरीले कीटनाशक और जंतुनाशक की बात करें तो किलो किलो, क्विंटल के क्विंटल 100 साल की उम्र तक आदमी खाता ही है। और इसका अंतिम दुष्परिणाम क्या है कि आप जब ये यूरिया खा रहे हैं, डीएपी खा रहे हैं, सुपर फॉस्फेट खा रहे हैं और जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक खा रहे हैं तो अंत में आपके शरीर को जो बीमारियां हो रही हैं और उससे जो मौतें पूरे देश में हो रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। हमारे देश में 5 से 7 लाख लोग कैंसर से हर साल मर रहे हैं, सरकार के आंकड़े हैं और रिपोर्टेड केस हैं। हमारे देश के आईसीएमआर के डॉक्टर कहते हैं कि अनरिपोर्टेड केस को जोड़ लें तो ये 10 लाख से भी ऊपर निकल सकते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग डायबिटीज के शिकार हैं, करोड़ों लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, करोड़ों लोगों को अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। आपको मालूम है किडनी फेलियर के लाखों लाखों जो केस हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये सारी की सारी बीमारियों के जड़ में अगर कोई है तो रासायनिक खाद कीटनाशक और जंतुनाशक का भोजन जो रोज आप खा रहे हैं। हर आदमी हिंदुस्तान में 0.5 मिलीग्राम जंतुनाशक रोज खा जाता है, चाहे सब्जी को कितना भी धोकर आप पकाएं। आप सभी माताएं बहनें ये कहेंगी हम तो सब्जी को बहुत अच्छे से धो लेते हैं और बहुत अच्छे से गर्म पानी में धो लेते हैं, कई कई बहनें तो उनको कुछ घोल डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डालकर धो लेती हैं। आप कितना भी धो लीजिए 0.5 मिलीग्राम जहर तो रोज जाना ही है आपके शरीर में सब्जियों के माध्यम से, और यही जहर इकट्ठा होते होते आपको भयंकर बीमारियों का कारण। हमारे देश में कई विशेषज्ञों ने कुछ गंभीर शोध किए हैं, मैं उनकी 2-3 बातें जो बहुत महत्व की हैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल हमारी माताओं में और पुरुषों में नपुंसकता की जो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, संतान का सुख लेने में असमर्थ हैं, इसका मूल जो कारण है वो जंतुनाशक और कीटनाशक का भोजन है। फिर हमारे देश में ब्रेन कैंसर, फिर हमारे देश में ब्लड कैंसर,
इन दोनों के सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जंतुनाशक, कीटनाशक और जहरीला रासायनिक भोजन है। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की है जिन वैज्ञानिकों ने, उनका कहना है कि डायबिटीज 200% ज्यादा खतरा पैदा कर देती है उन लोगों को जो जहरीले जंतुनाशक और कीटनाशक का खाना खाते हैं। माने एक व्यक्ति अगर सामान्य खाना खाता है जिसमें जहर नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो जहर वाला खाना खाता है कीटनाशक और जंतुनाशक और रासायनिक खाद का, तो जो जहर वाला खाना खा रहा है उसको 200% ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की बनिस्बत के उसके के जो शुद्ध खाना खा रहा है। इसी तरह कैंसर के बारे में कहते हैं 300% ज्यादा संभावनाएं हैं कैंसर होने की जो जहरीला भोजन खा रहे हैं अपने जीवन में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको बहुत ज्यादा होने की संभावना है तो ये जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक। वैज्ञानिकों ने अब तक जो शोध की है वो बताते हैं 48 किस्म की ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है दुनिया में किसी पैथी के पास, एलोपैथी के पास आदि आदि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति है सारी दुनिया में। 48 ऐसी बीमारियां जो सबसे गंभीर मानी जाती हैं जिसमें कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक का दुष्परिणाम है। तो खेतों में डाला जाता है यूरिया डीएपी, अंत में आता है हमारे शरीर में, दुष्परिणाम हमको होता है। खेतों में डाला जाता है जहर एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन, अंत में हमारे शरीर में आता है जहर बनके और हमको दुष्परिणाम करता है। तो भारत के 115 करोड़ लोगों का भोजन तो जहरीला हो ही गया है और उस जहर के कारण हमें जो बीमारियों के ठीक होने पर खर्चा करना पड़ता है, बार बार स्वामी जी के मुंह से आप सुनते हैं 7 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का खर्चा हमारा बढ़ गया है। ये 7 लाख करोड़ का सारा खर्चा एक ही दुष्परिणाम में से निकल रहा है और वो है जहरीली खेती, विषयुक्त खेती, खेतों में डाले जाने वाला रासायनिक खाद और कीटनाशक और जंतुनाशक। ये तो एक दुष्परिणाम है। दूसरा दुष्परिणाम है वो किसानों को प्रत्यक्ष है। किसानों को दुष्परिणाम क्या है? किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का लगभग लाखों करोड़ों रुपया, अगर ठीक ठीक से मैं कहूं तो 4,80,000 करोड़ रुपया किसानों की जिंदगी के खून पसीने की कमाई का ये रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक खरीदने में बर्बाद हो जाता है। किसानों का खर्चा हो रहा है 4,80,000 करोड़ यूरिया डीएपी और जंतुनाशक कीटनाशक खरीदने में और वो सारा का सारा हमारे शरीर में आता है, फिर हमें बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करना पड़ रहा है करीब 7 लाख करोड़। अगर दोनों खर्चे को मिला दिया जाए तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का सीधे बर्बाद हो रहा है खेतों में जो यूरिया डीएपी और कीटनाशक का जहर डाला जा रहा है उसके कारण। और आप जानते हैं ये 12 लाख करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी रकम है? ये भारत सरकार के एक साल के बजट से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। भारत का एक साल का बजट 10 लाख करोड़ का है, उससे भी 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा की रकम हमारी खर्च हो रही है ये यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट आदि आदि का खेतों में इस्तेमाल करने से। तो एक तो प्रत्यक्ष नुकसान है वो किसानों को और दूसरा परोक्ष नुकसान है वो भारत के 115 करोड़ नागरिकों को। और एक तीसरा नुकसान है वो ये कि ये 4,80,000 करोड़ रुपए जो किसानों के द्वारा खर्च किया जाता है, इस खर्चे में भारत सरकार लगभग 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देती है यूरिया डीएपी और कीटनाशकों पर और वो सब्सिडी का सारा खर्चा सरकार आपकी जेब में से निकालती है टैक्स के रूप में। तो तीसरा खर्चा आपकी जेब पर डाका सरकार के द्वारा। आप सरकार को टैक्स देते हैं विकास का काम करने के लिए, उस टैक्स के पैसे में से 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर देती है यूरिया डीएपी और कीटनाशक कंपनियों को दे देते हैं वो, ताकि किसानों को ये आसानी से और सस्ता उपलब्ध हो जाए। तो आपकी जेब से भी पैसा जा रहा है, किसान की जेब से भी पैसा जा रहा है, अंत में आप बीमार पड़ रहे हैं, वो पैसा भी आपको लाखों करोड़ों में खर्च करना पड़ रहा है। तो आप बोलिए कि ये जहरीली खेती और ये विषयुक्त खेती जो हमारे देश में चल रही है, इससे लाभ किसको हो रहा है? लाभ सिर्फ एक जगह हो रहा है और वो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को जो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक बेच रही हैं और हमारे देश में जहरीले रासायनिक खाद बेच रही हैं। अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां हैं जो भारत में ये व्यापार पिछले 40 साल से कर रही हैं।
अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों की सैकड़ों कंपनियां हैं जो ये व्यापार भारत में पिछले 40 साल से कर रही हैं। आपको एक अमेरिकन कंपनी का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा कि अमेरिका की ऐसी ही एक कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसने भोपाल में एक कारखाना लगाया था और वो कारखाना जहरीला कीटनाशक बनाने के लिए ही था। उस कारखाने में से 40 मीट्रिक टन जहरीली गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और उस गैस के निकलने के कारण 3 दिसंबर 1984 की रात को एक घंटे के अंदर 3000 लोग तड़प तड़प के मौत की नींद में सो गए थे। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 17000 लोग उसमें मरे थे और 1,00,000 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे। वो एक अमेरिकन कंपनी की कहानी यूनियन कार्बाइड। इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी बायर, इसी तरह से अमेरिका की एक कंपनी पार्क डेविस, सैकड़ों सैकड़ों अमेरिका की कंपनियां इस देश में जहरीले कीटनाशक का व्यापार कर रही हैं और उन कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जो पैसा किसान खर्च कर रहे हैं कीटनाशक जंतुनाशक खरीदने में, वो सारा इन कंपनियों की जेब में जा रहा है। और रासायनिक खाद जो हमारे देश के किसान खरीद रहे हैं, उसका पैसा भी भारत देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद बनाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है। उस केमिकल का नाम है नेफ्था, और यह केमिकल भारत में ज्यादा पैदा नहीं होता, यह विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि यह केमिकल पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है और भारत में पेट्रोल ज्यादा पैदा होता नहीं, कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता नहीं। तो जिन देशों में कच्चा तेल ज्यादा पैदा होता है वहां से नेफ्था खरीदना पड़ता है, फिर उससे हम ये रासायनिक खाद बनाते हैं। तो अंत में सारा का सारा पैसा किसानों की जेब से निकलकर विदेशों में, या किसानों की जेब से निकलकर विदेशी कंपनियों के खातों में जमा हो रहा है। माने हर साल का जो हम 12 लाख करोड़ रुपया फालतू में बर्बाद कर रहे हैं इस देश का, वो या तो अमेरिका को समृद्ध बना रहा है, अमेरिकन कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, यूरोप की कंपनियों को समृद्ध बना रहा है, किसानों को गरीब और कंपनियों को अमीर, ऐसा बनाने की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। और मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि जिन बड़ी बड़ी विदेशी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों का ये कीटनाशक जंतुनाशक हमारे देश में बिकता है, आप ये बोलेंगे आखिर ये किसान उसको खरीदते क्यों हैं, जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि इन कंपनियों के बड़े बड़े एजेंट गांव-गांव में घूमते रहते हैं और किसानों को ये समझाते रहते हैं, देखो ये बहुत अच्छा कीटनाशक आया, ये बहुत अच्छा जंतुनाशक आया, एक स्प्रे करो तो सब कीड़े मर जाते हैं, एक स्प्रे करो तो सब जंतु मर जाते हैं, और धीमे से कहते हैं बस कीमत इसकी 15,000 रुपए लीटर है। फिर किसान को समझाया जाता है कि 15,000 रुपए लीटर भी तुमको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कीटनाशक है जो 1500 रुपए लीटर है, वो तुम 35-40 बार स्प्रे करोगे, उससे अच्छा ये है कि ये 15,000 रुपए लीटर का एक दो बार ही स्प्रे कर लो। तो इस तरह के कैलकुलेशन में किसानों को फंसाकर वो कंपनियां अपना खूब माल बेच लेती हैं और किसान भोले भाले सीधे साधे उसको खरीद लेते हैं। किसानों से जब हम बात करते हैं कि भाई आप इनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं, तो वो अपनी राम कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कीड़ा आ गया फसल पर, अब क्या करें, फसल चौपट हो जाएगी, उसको बचाना है, क्योंकि अगला फसल लगाने के लिए कर्ज लेना है, कर्ज के लिए ब्याज देना है, तो पैसे तो हाथ में चाहिए, तो फसल बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते, तो किसी भी कीमत पर ये फसल बचानी है, इसके लिए कितना भी बड़ा खर्च हम करने को तैयार हो जाते हैं। ये किसानों की अपनी कहानी। तो ये दोनों तरह से दुष्चक्र चलता है और अंत में किसान पिसता है और आप सब इस जहरीले आक्रमण के शिकार होकर बीमारियों में फंसते चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो कंपनियां जहर बेच रही हैं, ये जहर किस किस राज्य में कितना कितना बिक रहा है और कैसे उनका इस्तेमाल किसानों के बीच में करवाया जा रहा है, कुछ राज्यवार आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा ये जहर जो डाला जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक साल में 6,855 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है खेत में, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के रूप में। फिर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है पंजाब का। पंजाब में हर साल 6,900 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है कीटनाशक और जंतुनाशक का। फिर तीसरे नंबर पे है हरियाणा, जहां 4,520 मीट्रिक टन जहर डाल दिया जाता है हर साल। फिर उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ऐसे हिंदुस्तान के 33 राज्य हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया 90,000 मीट्रिक टन है। जो जो कीटनाशक जंतुनाशक डाले जाते हैं
उनमें जो सबसे ज्यादा डाला जा रहा है डीडीटी। डीडीटी के बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूं, वो ये कि दुनिया के 56 देशों में डीडीटी बनाना डीडीटी बेचना दोनों कानूनन जुर्म है, और कई देशों में तो इतना सख्त कानून है कि डीडीटी बेचते हुए कोई पकड़ा जाए तो 20 साल की सजा हो जाती है, 20 साल की कैद हो जाती है। ऐसे 56 देशों में डीडीटी बंद है, और ये बंद हुए भी कम से कम 20-25 साल हो गए। तो दुनिया के 56 देशों में जो डीडीटी बंद है बनाना बेचना, वो डीडीटी भारत में धड़ल्ले से बन रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है और धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है और अंत में आपके शरीर में आ रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है डीडीटी का। फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एंडोसल्फान का। फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेलाथियान का। फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, फिर लिंडेन, फिर मोनोक्रोटोफॉस, ऐसे ऐसे करीब करीब 786 किस्म के तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं और 212 किस्म के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो 1000 से ऊपर जहर अलग अलग नामों से हमारे देश में बेचे जा रहे हैं और किसानों के द्वारा खेत में डाले जा रहे हैं। एक और जो गंभीर बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जहर में जो करीब 1100 किस्म के कीटनाशक और जंतुनाशक भारत में डाले जा रहे हैं, इनमें से 50% जंतुनाशक और कीटनाशक उन देशों में पूरी तरह से बंद हैं जिन देशों की कंपनियों के द्वारा भारत में बेचे जा रहे हैं। जैसे अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां भारत में वो जहरीले कीटनाशक बेच रही हैं जो अमेरिका में बनाना और बेचना जुर्म है। जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां हमारे यहां ऐसे कीटनाशक बेच रही हैं जो जर्मनी में बनाना और बेचना बंद है। हमारे देश में ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां, हॉलैंड की बहुत सारी कंपनियां, डेनमार्क की बहुत सारी कंपनियां ऐसे जहरीले कीटनाशक भारत में बेच रही हैं जो उनके देशों में 20 साल से बंद है। माने जिन चीजों को वो अपने यहां पैदा नहीं करते, बिकवाते नहीं, उनको भारत में ला लाकर उनकी कंपनियां डंप कर रही हैं, बेच रही हैं, और भारत को पूरा विश्व का भंडार धीरे धीरे उन्होंने बना दिया है। मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जो पिछले 40 साल से कीटनाशक और जंतुनाशकों पर शोध कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पे काम कर रहे हैं, सभी वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष है, वो ये कि जो भी जहर हम खेत में डालते हैं कीड़े मारने के लिए या जंतु मारने के लिए, वो मात्र अपने लक्ष्य में 2% ही काम में लगता है। 98% जहर तो प्रदूषण बढ़ाने में खर्च हो जाता है। इसको और समझाऊं सरल भाषा में, मान लीजिए खेत में कोई कीड़ा आके बैठ गया, कोई फसल है उस पर कोई कीड़ा आ गया, मान लीजिए नाम लेके कहता हूं अमेरिकन बोल बॉर्म आ गया, कपास के पौधे पर सबसे ज्यादा लगने वाला हमारे यहां कीड़ा है उसको अमेरिकन बोल बॉर्म कहते हैं, ये आ गया लग गया। अब इसको मारने के लिए जो जहर छिड़का जाएगा वो पूरा जहर अगर 10 लीटर है, कल्पना करिए, या 100 लीटर है, तो 100 लीटर में 2 लीटर ही जहर काम में आएगा कीड़े को मारने के लिए, 98 लीटर जहर चला जाएगा मिट्टी में, पानी में और हवा में, जो प्रदूषण करेगा मिट्टी पानी और हवा को। माने मात्र 2% ही काम में आता है कीटनाशक और जंतुनाशक, 98% तो मिट्टी को खराब करता है, पानी को खराब करता है, हवा को खराब करता है। आप पूछेंगे जी मिट्टी को कैसे खराब करता है, वो तो सीधे सीधे है कि सारा जहर मिट्टी में जाकर मिलेगा और मिट्टी में ये जहर सैकड़ों सैकड़ों साल तक स्थापित रहता है, वो खत्म नहीं होता। और जानते हैं ये चक्र कैसे चलता है, मिट्टी में चला गया सारा जहर, कीड़े को मारने में काम आया 2%, 98% चला गया मिट्टी में, फिर बारिश हुई, बारिश का पानी मिट्टी पर गिरा, पानी के साथ वो बहता हुआ कीटनाशक आ गया नदियों में, और नदियों से बह बहकर वो कीटनाशक चला गया आपके जमीन के नीचे पानी के रिसाव के साथ, और जमीन के नीचे के पानी में जाकर वो जहर अगर मिल गया तो वो भूमिगत पानी में जहर मिल गया। अब वो भूमिगत पानी को आप निकालेंगे पंप के द्वारा, और पंप के द्वारा वो निकालेंगे और वो पानी फिर आप पिएंगे, तो वो जहर अंत में आपके पेट में आ गया, क्योंकि आप जानते हैं नदियों का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे रिश्ता रहता है और उसके साथ कीटनाशक चले जाते हैं। और दूसरी एक कल्पना करिए कि खेतों में बहुत ज्यादा कीटनाशक का और जंतुनाशक का जहर डल गया, यूरिया डीएपी का जहर डल गया, बारिश का पानी गिरा, पानी के साथ ये जहर मिलते हुए गांव के तालाब में इकट्ठा हो गया,
और गांव के तालाब में पशु पानी पीने जाते हैं, फिर पशुओं ने वो पानी पिया तो पशुओं के शरीर में चला गया, और पशुओं के शरीर में चला गया तो उनके खून में आ गया, और उनके खून में आ गया तो उनके दूध में आ गया, फिर वही पशु का दूध आप पी रहे हैं तो और ज्यादा जहर आपके पेट में आ गया। आप खेत में से पैदा हुआ गेहूं चावल चना दाल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, उसके द्वारा पेट में आपके जहर आ रहा है वो तो एक बात है, जमीन के पानी के माध्यम से आ रहा है वो दूसरा है, और तीसरा पशुओं का दूध आप पी रहे हैं, दूध के माध्यम से वो जहर आपके पेट में आ रहा है वो तीसरा तरीका है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप में से बहुत सारे किसान भाई बहन इस बात को जानते हैं, नासिक जिले से यहां अगर कोई आए हुए कार्यकर्ता है तो नासिक में अंगूर की द्राक्ष की बहुत जबरदस्त खेती होती है, और आप जाकर देखिए कि किस तरह से उस पर फब्बारा फेंका जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का किस तरह से स्प्रे किया जाता है। कई जगह तो मैंने देखा मेरी आंखों से कि जहर भरा डब्बा और अंगूर का वो गुच्छा लटकता रहता है ना, डब्बा ऐसे कर देते हैं पूरा गुच्छा उसमें डुबो देते हैं, और वो इतना खराब है कि अंगूर को धो लो धो लो धो लो 10 बार 20 बार 25 बार फिर भी धुलता नहीं है। बाजार से जब आप अंगूर खरीदेंगे तो उस पर सफेद 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 आपको स्पष्ट दिखाई देता है, वो सीधे जहर हम खाते हैं, हमारे घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाते हैं, मेहमानों को देवता कहते हैं, देवताओं को अंगूर के रूप में जहर परोसते, और वो जहर खाली अंगूर के रूप में हमारे शरीर में नहीं आता, उन अंगूरों को सुखाया जाता है, उसकी किशमिश बनती है, उन अंगूरों को सुखाया जाता है और उसका कुछ सूखा मेवा बनाते हैं, अंत में वो फिर खाते हैं, वो हमारे शरीर में आता है। इसी तरह टमाटर पे स्प्रे होता है, इसी तरह भिंडी पर स्प्रे होता है, इसी तरह बैंगन पर स्प्रे होता है, कोई ऐसा फल और सब्जी अब बच नहीं पाया जहां पर ये स्प्रे ना हो। तो हर तरीके से ये सारा जहर या तो मिट्टी को खराब करेगा, पानी को खराब करेगा, हवा को खराब करेगा। जब आप स्प्रे करेंगे तो बहुत सारा जहर हवा में मिलेगा, हवा के कणों के साथ वो पूरी जगह फैलेगा, वो श्वास के रास्ते आपके शरीर में अंदर जाएगा। तो हर तरीके से ये दुष्परिणाम जो हो रहा है वो हमारे शरीर को हो रहा है। किसानों की बर्बादी तो पैसे के रूप में है और हमारी बर्बादी शरीर के स्वास्थ्य के खत्म हो जाने के रूप में है। ये बहुत बड़ा दुष्चक्र, एक तरह का षड्यंत्र हमारे देश में बना है और चल रहा है। आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये सारा का सारा यूरिया डीएपी या जहरीला कीटनाशक बनाना किसने शुरू किया सबसे पहले दुनिया में, कहां से ये आया, किसने बनाया, किसने इस पर खोज की, किसने इस पर शोध किया। ये अगर आपके मन में सवाल आए तो इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया में सन 1939 से 1945 के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम सब कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। इस दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी नाम का देश था, एक तरफ ब्रिटेन नाम का देश था, ब्रिटेन एक तरफ और ब्रिटेन के सहयोगी देश एक तरफ, जर्मनी एक तरफ और जर्मनी के सहयोगी देश एक तरफ, जर्मनी के साथ जापान था, ब्रिटेन के साथ और दूसरे देश थे, ये दो देशों के समूह बन गए थे और इनमें भयंकर लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में लाखों करोड़ों अरबों रुपए के हथियार बेचे गए थे। इन हथियारों को बनाने के लिए रासायनिक चीजों की जरूरत थी, केमिकल्स की जरूरत थी। आप जानते हैं कि रासायनिक हथियार बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए, रसायन चाहिए, तो वो रसायन बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां यूरोप में स्थापित हुई थी। उन कंपनियों में तरह तरह के जहरीले रसायन बनाए जा रहे थे दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने के लिए हथियार के रूप में। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में तो उन कंपनियों को भी खत्म हो जाना चाहिए था जो रसायन बनाने वाली कंपनियां थी, लेकिन युद्ध तो खत्म हो गया, रसायन बनाने वाली कंपनियां जिंदा रहीं, उनका उत्पादन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप के देशों का यह कहना था कि अगर इन कंपनियों को हमने बंद करा दिया और इसमें उत्पादन बंद हो गया तो उनके लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगारी नहीं बढ़ानी है इसलिए रसायनों का उत्पादन चालू रहा लेकिन युद्ध बंद हो गया। तो युद्ध बंद होने के बाद उन रसायनों का कहां इस्तेमाल हो सकता है, इस पर यूरोप के देशों ने और विशेषकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, रिसर्च किया। रिसर्च करके, शोध करके उनको पता चला कि जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके बम बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके खाद भी बनाया जा सकता है, यूरिया बनाया जा सकता है, डीएपी बनाया जा सकता है। जिन जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं, उन्हीं जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाया जा सकता है। तो वहां से ये उत्पादन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। पहले जो उत्पादन लग रहा था बम बनाने में,
जहरीले रासायनिक हथियार बनाने में, वो सारा उत्पादन लग गया फिर जहरीली रासायनिक खाद बनाने में, कीटनाशक और जंतुनाशक बनाने में। और आपको एक मजेदार बात मैं ये बताना चाहता हूं कि रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल लगते हैं वही केमिकल यूरिया बनाने के लिए लगते हैं। रासायनिक बम बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वही केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। केमिकल सेम है, एक ही जैसे हैं, बस उनकी मात्रा में कमी ज्यादा की जाती है। बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत कंसंट्रेटेड रूप में इस्तेमाल होते हैं, और रासायनिक खाद बनाने के लिए कम मात्रा में और डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। बस अंतर इतना ही है, लेकिन इस्तेमाल दोनों जगह एक ही है। तो पूरी की पूरी रासायनिक उद्योग जो यूरोप और अमेरिका के थे वो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक बनाने में लग गए और उन्होंने अंधाधुंध उत्पादन किया। फिर उनके सामने समस्या ये आई कि इस उत्पादन को बेचा कहां जाए, तो उस उत्पादन को लेके वो भारत में आ गए। और भारत के नेताओं से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको फुसलाना आसान हो। सबसे आसानी से फुसलाया जा सकता है या भ्रमित किया जा सकता है तो इस देश के नेता और मंत्रियों को किया जा सकता है, या खरीदा जा सकता है पैसे से तो नेताओं को खरीदा जा सकता है। तो यूरोप के देशों की टीम आने लगी 1950 और 60 के दशक में, और भारत के नेताओं को यह समझाना उन्होंने शुरू किया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर खरीदो हमसे, पेस्टिसाइड खरीदो, इंसेक्टिसाइड खरीदो, खेतों में डलवाओ, इतना फायदा, इतना फायदा, इतना फायदा। और भारत के नेता फंस गए इस दुष्चक्र में। थोड़ा बहुत उनके रिश्वत के लालच में उन्होंने तुरंत हरी झंडी दिखा दी और यूरोप से ये सारा कचरा रसायन भारत में आना शुरू हो गया। अब भारत के किसानों ने इसका इस्तेमाल किया नहीं, तो सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना के लिए इस देश में एक विभाग खड़ा किया गया जिसका नाम है खंड विकास विभाग, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसको आजकल कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस अधिकारी का एक ही काम होता था, गांव-गांव जाना, किसानों को फुसलाना और उनके खेत में यूरिया डलवाना। किसान डालते नहीं थे यूरिया, तो ये जो बीडीओ स्तर के अधिकारी होते थे ये किसानों को कहते थे मुफ्त में ले लो, मुफ्त में डालो, तो भी किसान तैयार नहीं होते थे तो जबरदस्ती उनके खेतों में डलवाते थे। और यूरिया एक ऐसा जहर है जैसे शराब होती है ना, किसी आदमी को जिसने जिंदगी में कभी शराब ना पी हो जबरदस्ती एक दो बार आप पिला दो फिर ऐसा चस्का लगता है कि वो खरीद के पीने लगता है, वैसे ही हमारी मिट्टी के साथ हुआ। हमारी मिट्टी ने हजारों साल से कभी ये रसायन को चखा नहीं था, इसका स्वाद नहीं मालूम था। मिट्टी में जबरदस्ती ये डाला गया रासायनिक खाद और कीटनाशक, मिट्टी को उसका स्वाद लग गया और मिट्टी फिर व्यसनी हो गई और वो जहरीली होती चली गई। फिर किसानों ने खरीद खरीद के डालना शुरू किया। पहले किसान एक पैकेट डालता था 50 किलो का, फिर एक एकड़ में दो पैकेट, फिर तीन पैकेट, अभी तो 10-10 12-12 पैकेट एक एक एकड़ में डाल देते हैं यूरिया डीएपी का। यह कहानी शुरू हुई यूरोप की कंपनियों को मुनाफा दिलाने के लिए, दूसरे विश्व युद्ध में जो रसायन बनाए थे उनका क्या इस्तेमाल किया जाए युद्ध खत्म होने के बाद, उसका दिमाग लगाकर उन्होंने जो रास्ता निकाला वो अंत में जाकर खत्म हुआ भारत के खेतों पर, और उसने बर्बाद कर दिया हमारी करोड़ों हेक्टेयर जमीन को और लाखों करोड़ों किसान को। ये कहानी वहां से शुरू होकर यहां तक आई। और अब इस कहानी में पूरे देश के किसान फंस गए हैं, सरकारी विभाग और तंत्र फंस गए हैं। तब अब समस्या के समाधान के रूप में हमारे सामने प्रश्न है कि हम क्या करें। एक रास्ता तो ये है कि ये जो जहरीली खेती चल रही है पूरे भारत देश में इसको चलने दिया जाए, ये जो जहरीली खेती पूरे देश में निकल पड़ी है किसानों के खेत से इसको आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये है, हम सब खामोश बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। एक दूसरा विकल्प ये है कि ये जो जहरीली खेती हो रही है पूरे देश में, खराब हो रही है हमारी जमीन, खराब हो रही है हमारी हवा, खराब हो रहा है हमारा पानी, बढ़ रहा है हमारा प्रदूषण, बढ़ रहा है जहर हमारे शरीर में, इतना जहर बढ़ गया है हमारे शरीर में कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने कुछ माताओं के दूध का परीक्षण किया तो माताओं के दूध में डीडीटी निकला, इतना जहर बढ़ गया। ये जहर की दो कहानियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, अंदाजा लगे आपको। भारत देश में ये पंजाब हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, वहां का एक छोटा सा गांव है, मैं वहां गया हूं, उस गांव का नाम है हरी किशनपुरा।
छोटा सा गांव है पंजाब का, बठिंडा के नजदीक का। हरिकिशनपुरा गांव में मैं गया तो आपको हैरानी होगी, मुझे बहुत हैरानी हुई, गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा, उस पर गुरुमुखी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने एक पंजाबी गुरुमुखी जानने वाले मेरे सहयोगी को पूछा, मैं पूछा ये क्या लिखा है गांव के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा है, तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजीव भाई इस पर लिखा हुआ है ये हरिकिशनपुरा पूरा का पूरा गांव बिकने के लिए तैयार है, कोई खरीददार हो तो संपर्क करे। आपको तो इसमें हंसी आएगी लेकिन मुझे तो रोना आ गया। मैंने कहा ये क्या लिखा, उसने कहा यही लिखा है। मैंने कहा सच कि, उसने कहा बिल्कुल सच, ये गांव बिकने को तैयार है। तो क्यों, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम, गांव में चलो तो पूछते। तो हम गांव में गए, एक सरदार जी से सबसे पहले मुलाकात हुई, हमने उनको पूछा कि आपके गांव के बाहर बोर्ड लगा है कि गांव बिकाऊ है बिकने को तैयार है। उसने कहा कि इस गांव का हर किसान परिवार 6 लाख रुपए का कर्जदार है, हम में से किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम हमारा कर्ज वापस कर सकें, इसलिए हमने ये बोर्ड लगा दिया है कि कोई आए और हमारे गांव को खरीद ले, हर परिवार को 6 लाख रुपए दे दे, हम ये कर्ज हमारा चुकाना चाहते हैं और जिंदगी भर के लिए जो हमारा गांव खरीदेगा उसकी गुलामी करने को हम तैयार हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हर परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज है। वो भाई को हमने पूछा ये कर्ज कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा इस गांव की मुख्य फसल है वो कपास है और कपास की फसल पर 35 बार हमको स्प्रे करना पड़ता है जहरीली दवाओं का, 35 बार कपास की फसल पर 35 बार स्प्रे करना पड़ता है। क्यों, तो उन्होंने कहा इतने कीड़े आते हैं, इतने जंतु आते हैं कि हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है, इसलिए 35 बार स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने के लिए दवाएं खरीदते हैं, 15,000 रुपए लीटर की दवाएं खरीदते हैं, उसका स्प्रे करते हैं, कई बार वो स्प्रे भी फेल हो जाता है, फसल भी चौपट हो जाती है, साहूकार से कर्ज लेकर अगली फसल लगानी पड़ती है, इस चक्कर में हमारा कर्ज हर परिवार पर 6 लाख रुपए हो गया। फिर वो सरदार जी को मैंने पूछा कि आज से 40 साल पहले आपके यहां खेती करते थे तो भी ऐसे ही स्प्रे करते थे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करते थे, 40 साल पहले तो कोई स्प्रे नहीं करता था। क्यों, क्योंकि फसल पे कीड़ा लगता ही नहीं था। तो मैंने वो सरदार जी से ही पूछा कि आप याद करके बताओ 40 साल पहले फसल पे कीड़ा नहीं लगता था, क्या करते थे आप ऐसा, और अब इतना कीड़ा लगता है क्या करते हो ऐसा? तो सरदार जी ने बहुत सोचकर बताया तो कहा कि 40 साल पहले हम गाय बैल भैंस का गोबर और उसका मूत्र खेत में डालते थे तो हमारे फसल पर कीड़ा नहीं लगता था, अब हमने यूरिया डीएपी डालना शुरू किया तो इतना कीड़ा लगता है कि हम कीड़े को मारने की दवा खरीद खरीद के कर्जदार हो चुके हैं। ये हरिकिशनपुरा गांव की कहानी है और आपको यह सुनकर और दुख होगा कि यह हरिकिशनपुरा जैसा भारत में कोई एक गांव नहीं है, ऐसे भारत में हजारों गांव हैं जो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं बिकने को तैयार है। मैं विदर्भ में 10 साल रहा हूं, 10 साल में विदर्भ में मैंने 100 से ज्यादा गांव देखे हैं जहां इसी तरह के बोर्ड लगे हुए हैं, ये गांव बिकाऊ है, ये गांव बिकाऊ है, क्योंकि गांव के किसानों पर कर्ज बहुत हो गया। ये एक कहानी। एक और कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ये यूरिया डीएपी और जहरीले कीटनाशकों का क्या दुष्परिणाम होता है। मैं एक बार गया था केरल के जिले कासरगोड में। कासरगोड एक जिला है केरल का, कर्नाटक के बॉर्डर पे है। कर्नाटक का एक जिला है उडुपी। उडुपी जहां से समाप्त होता है कासरगोड जिला, वहीं से शुरू हो जाता है। तो उडुपी और कासरगोड के बीच का इलाका, वहां एक गांव है उसका नाम है पडरे। पडरे गांव में सबसे ज्यादा खेती होती है काजू की, और काजू का फसल ऐसा ही फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। जैसे कपास की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है, वैसे ही काजू की फसल पर सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है। पडरे गांव में करीब 4,500 एकड़ जमीन पर काजू के बागान है, काजू के पेड़ लगे हुए। तो उसमें क्या होता है, 20 साल से वहां के किसान जो काजू की खेती करते हैं वो एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेते हैं और उसमें जहरीले कीटनाशक जिसका नाम एंडोसल्फान है वो हेलीकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गांव के काजू के पेड़ पर जो 4,700 एकड़ में है वो छिड़का जाता है एंडोसल्फान 20 साल से लगातार। जब मैं पहली बार उस गांव में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छिड़क रहे हैं और लगातार वो छिड़कने का दुष्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया 2% एंडोसल्फान तो कीड़े मारने में चला जाता है, 98% गांव के तालाब में जाके घुल जाता है
और गांव के तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं तो उनके शरीर में वो एंडोसल्फान आ जाता है। परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पढ़रे गांव में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है। चार हजार एकड़ जमीन पर काजू के बागान हैं, काजू के पेड़ लगे हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, 20 साल से वहां के किसान जो काजू की खेती करते हैं वो एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेते हैं और उसमें जहरीले कीटनाशक जिसका नाम एंडोसल्फान है वो हेलीकॉप्टर में भरा जाता है और पूरे गांव के काजू के पेड़ पर जो 4700 एकड़ में है वो छिड़का जाता है एंडोसल्फान 20 साल से लगातार। जब मैं पहली बार उस गांव में गया था तब उन्होंने बताया कि हम 20 साल से ये छिड़क रहे हैं और लगातार वो छिड़कने का दुष्परिणाम क्या हुआ है कि वो मैंने आपको बताया 2% एंडोसल्फान तो कीड़े मारने में चला जाता है, 98% गांव के तालाब में जाके घुल जाता है और गांव के तालाब का पानी गांव के लोग पीते हैं तो उनके शरीर में वो एंडोसल्फान आ जाता है। परिणाम ये हुआ है कि पिछले 20 वर्षों से पढ़रे गांव में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ताली मत बजाइए इस पे। 20 साल से नया बच्चा पैदा नहीं हुआ। नपुंसकता इतनी अधिक है उस गांव में स्त्री और पुरुषों में, बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं। पुरुषों के वीर में शुक्राणु नहीं है, माताओं को अंडाणु नहीं बन रहे हैं। और उस पर रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जब टीम गई एक बहुत बड़े वरिष्ठ डॉक्टर के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन कुमार उनका नाम है, उन्होंने जब पूरे गांव के लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो पता चला कि गांव के लोगों के खून में एंडोसल्फान नाम का कीटनाशक घुस गया है और जितना मनुष्य की सहन करने की शक्ति है जिसको हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं उससे 40 गुना ज्यादा है। ये गांव के लोगों का खून रक्त परीक्षण जब किया तो डॉक्टर मोहन कुमार की टीम ने ये पाया और वो टीम ने फिर बताया कि ये खून में इतना ज्यादा एंडोसल्फान है इन लोगों को तो सवाल ही नहीं उठता कि बच्चे पैदा हो जाए। फिर पता लगाया गया कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ये तो एक बीमारी और क्या क्या है। उस गांव में पता चला हर घर का दूसरा और तीसरा आदमी कैंसर का शिकार है, हर घर में। फिर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि गांव में जितने बच्चे हैं जो पैदा हो गए 20 साल पहले उनको अगर आप देखोगे तो किसी की उम्र 4-5 साल से ज्यादा नहीं लगती जो 20 साल से बड़े हैं, क्योंकि शरीर का ग्रोथ ही नहीं हुआ है, वो बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं अभी भी। गांव में हम लोग गए तो देखा घरों के दरवाजों पे बच्चे बैठे हैं, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, कुछ बच्चों के हाथ ऐसे हैं, किसी के पांव ऐसे हैं, किसी को एक हाथ में 8-9 उंगलियां हैं, किसी को पांव में 10-12 उंगलियां हैं और किसी के पांव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, किसी को आधा पांव है, एक पांव है ही नहीं है, इस तरह के बीसियों बच्चे। और ज्यादातर बच्चों को हमने देखा तो शरीर छोटा सा है, सिर बहुत बड़ा है। एक बच्चे का सिर इतना बड़ा कि वो हिला नहीं सकता, हमेशा लेटा रहता है। उस बच्चे की उम्र पूछी तो उसकी माने का 32 साल की उम्र है और मुझे लगा कि ये 4-5 साल का है। उन सभी बच्चों के हमने फोटोग्राफ्स खींचे थे, फिल्म बनाई थी, कभी समय मिला तो आस्था चैनल पर उसको हम दिखाएंगे कि
इतने खराब स्थिति में वहां के बच्चे जी रहे हैं, उठा नहीं सकते शरीर को, सिर बहुत भारी है, हाथ पांव एकदम छोटे हैं, या सिर एकदम छोटा है, हाथ पांव बहुत भारी है, या किसी को आंखें जो है ना जन्म से अंधे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को हमेशा मुंह टेढ़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे पैरालिसिस हो गया। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उस गांव में सबसे ज्यादा। डॉक्टर मोहन कुमार जो वहां काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको जब पूछा गया कि आपने इस गांव को कैसा पाया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस गांव में आया था तो मुझे बताया गया कि केरल भारत का स्वर्ग है, इसलिए मैं इस गांव में आया सेवा करने के लिए। यहां आकर पता चला कि दुनिया का इतना खतरनाक नरक तो किसी भी देश में नहीं होगा जो इस केरल के कासरगोड जिले के पडरे गांव में है। शादी नहीं हुई, कोई अपनी बेटी उस गांव में भेजने को तैयार नहीं है, कोई उस गांव की बेटी को अपने घर में लाने को तैयार नहीं है। इतनी दुखदाई कहानी उस पडरे गांव की है। और उस पडरे गांव में जब हमने प्रवेश किया था तो वहां भी मलयाली भाषा में यही लिखा हुआ था कि केरल तो भारत का स्वर्ग है लेकिन ये गांव दुनिया का नरक है। कारण जहरीला कीटनाशक एंडोसल्फान जो अंग वहां छिड़का जा रहा है 20 साल से, कहां पर? काजू के बागानों पर, काजू के खेड़ों पर। तो ये इस तरह के भारत में आप ढूंढने निकलेंगे तो सैकड़ों गांव निकलेंगे। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में ये जहरीले कीटनाशकों से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से और जहरीले रासायनिक खादों से हो रही है। तब अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसका विकल्प क्या, क्या करें हम? तो हमें लगता है इसका एक ही विकल्प है, एकमात्र विकल्प है, वो ये कि भारत के किसानों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी इस जहर को खेत में डालना बंद करें और इस जहर के स्थान पर कोई अमृत तत्व उपलब्ध हो हमारी प्रकृति के द्वारा, उसको अपने खेतों में खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में डालें और धीरे धीरे ये धरती जो पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, बर्बाद हो गई है, इस धरती को वापस ठीक किया जाए, मिट्टी को वापस ठीक किया जाए, पानी को वापस ठीक किया जाए, हमारी हवा को वापस ठीक किया जाए। माने एक ही बात किसानों को समझानी है, विष मुक्त खेती करो। अभी तक विषयुक्त खेती कर रहे हो, अब विष मुक्त खेती करो, स्वदेशी खेती करो, स्वावलंबी खेती करो, कम खर्चे वाली खेती करो, ये जहर डालना पूरी तरह से बंद करो, क्योंकि ये जहर किसानों को भी मार रहा है और हम सब नागरिकों को भी मार रहा है। भारत सरकार के एक आंकड़े को और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के आंकड़े हैं कि भारत में जितने किसान ये जहर छिड़कते हैं ना, कीटनाशक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खेत में, इनमें से हर साल 70,000 किसान मर जाते हैं, हर साल जो छिड़कते। कैसे मर जाते हैं? आपको मालूम है जब वो छिड़केंगे कीटनाशक और जंतुनाशक तो वो मिट्टी पर जितना गिरेगा, फसल पर जितना गिरेगा, उससे ज्यादा तो श्वास के माध्यम से आपके शरीर में आने वाला है। और ज्यादातर किसान भाई बहनों को मैंने देखा है मुंह पे कोई मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छिड़कते हुए चले जाते हैं। तो 70,000 किसान हर साल इस देश में मर जाते हैं। सारी दुनिया में कीटनाशकों के द्वारा, जहरीले कीटनाशकों को गरीब देशों में जो बेच रही हैं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके स्प्रे के द्वारा 3 लाख किसान मर रहे हैं सारी दुनिया के विकासशील देशों में, गरीब देशों में। उसमें से 70,000 किसान अकेले भारत में मर रहे हैं, 3 लाख दुनिया के 50 से देश ज्यादा देशों में मर रहे हैं, 70,000 अपने देश में मर रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं, बार बार मैं कहता हूं, जिनकी एफआईआर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में, जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं है, ऐसे आंकड़ों को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं वो कितने अधिक होंगे। और उसके बाद हम जो मर रहे हैं जहरीले सब्जियों को खाकर, दालों को खाकर, अनाज को खाकर, उसके बारे में तो सरकार अभी तक पूरी तरह से मौन है कि खाकर मरने वालों की संख्या कितनी है इस देश में। अगर कैंसर से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए इस देश में, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को जोड़ लिया जाए, तो यह आंकड़ा तो लाखों के ऊपर निकलेगा। इसलिए अब हमको एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा सारे किसानों को, वो ये कि अब हम जहर वाली खेती नहीं करेंगे, विष अपने खेत में नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन जैसा जहर नहीं डालेंगे, अब जहर मुक्त खेती करेंगे, विष मुक्त खेती करेंगे। ये संकल्प जिस दिन हमारे किसान लेंगे उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी।
और ये संकल्प किसान भाइयों को आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ किसान भाई है तो इस बात को गंभीरता से सुने। जब से किसानों ने यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट की खेती की है, जहर डाला है मिट्टी में, और जब से किसानों ने इंडोसल्फान मेलाथियन जैसे सैकड़ों सैकड़ों जहर डाले हैं मिट्टी में, इसमें से पैदा हुआ पशुओं का जो चारा है ना, वो पशुओं ने खाया है और पशुओं के शरीर में भी ये जहर गया है। हमारी गाय के शरीर में जहर है डीडीटी, हमारी गाय के दूध में है डीडीटी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, गाय का दूध दुनिया में सबसे अमृत तत्व वाला माना जाता है, उस गाय के दूध में डीडीटी है। भैंस का दूध बहुत शुद्ध माना जाता है, उसमें डीडीटी है। तो पशुओं के शरीर में भी डीडीटी आ गया, इंडोसल्फान आ गया, मेलाथियन आ गया, जहरीले कीटनाशक पशुओं के शरीर में आ गए, क्योंकि उनको चारा वही खाने को मिला जिस चारे को यूरिया डीएपी से पैदा किया गया। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का जो हो गया वो ये, अभी थोड़े दिन पहले मैं कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक गढ़मुक्तेश्वर नाम के छोटे से गांव में गया था एक फार्म को देखने के लिए। वहां जाकर मेरी आंखें फटी रह गई, ये जानकर मैं हैरान हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि राजीव भाई, ये जहर जो खेतों में डाला है किसानों ने, इस जहर के कारण 65% गाय और भैंस बांझ हो गई है। समझते हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, संतान नहीं दे सकते। गाय भैंस 65% गाय भैंस बांझ हो गई, इनफर्टाइल हो गई। और तब मुझे पता चला कि 65% इनफर्टिलिटी का रेट है हमारे पशुओं में, माताओं में, बहनों में। आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 20-25% तो माताओं बहनों में निकल आएगा अगर यही आंकड़ा हम कोशिश करें। गुजरात में है, गुजरात में है। स्वामी जी कह रहे हैं गुजरात में तो ये है ही 20-25% जिलों में, गुजरात के कुछ जिलों में जहां शायद ये जहर ज्यादा डलता होगा। तो हमारी माताओं बहनों में 20-25% इनफर्टिलिटी बांझपन आ जाए, हमारी गाय और भैंसों में 65% बांझपन आ जाए, अंतिम दुष्परिणाम जानते हैं क्या होगा? जब गाय और भैंस बांझ हो जाती है, संतान देने में असमर्थ हो जाती है, कोई किसान उसको घर में खाना खिलाने को तैयार नहीं होता, वो सीधे उनको कसाई को बेच देता है, और कसाई ऐसी गाय और भैंसों को काटकर उनका मांस दुनिया के देशों को बेच देते हैं। हर साल हमारे देश में गाय बैल भैंस जैसे बड़े 4 करोड़ पशु इसी कारण से कट जाते हैं। आप इस बात का अंदाजा और एहसास करने की कोशिश करिए कि यूरिया डीएपी एंडोसल्फान जैसे जहर ने हमारे पशुओं को बांझ बना दिया, और अंतिम स्थिति में वो पशु कत्ल खाने में कटने के लिए जा रहे हैं। 4 करोड़ पशु हमारे कट रहे हैं हर साल, और उन 4 करोड़ पशुओं का एक छोटा सा हिसाब मैंने निकाला कि इन्हीं 4 करोड़ पशुओं को अगर हम कटने से बचा सके और इनका बांझपन का इलाज कर सके, तो यही 4 करोड़ पशु हर साल इस भारत देश को 15,000 करोड़ की आमदनी दे सकते हैं। माने हर साल 15,000 करोड़ की आमदनी का नुकसान हो रहा है पशुओं के कटने से। गाय और भैंस मां नहीं बन पा रही है, बच्चों को नहीं दे पा रही है, किसान कसाई खाने में बेच रहे। तब मुझे समझ में आया कि दिन दूनी रात चौगुनी ये कसाई खानों की तरक्की कैसे बढ़ रही है। हमारे यहां दूध देने वाली डेयरियां तो कम होती जा रही है, दूध का उत्पादन तो घटता जा रहा है, लेकिन पशुओं को काटने वाले कत्ल खाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये दिल्ली से हरिद्वार के बीच का ही सर्वे करो तो पशुओं को काटने वाले कत्ल खानों के विकास की दर 300% से बड़ी है यहां पर। तब बात समझ में आ गई बिल्कुल साफ साफ कि पशुओं को काटने के कत्ल खाने तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक गाय और भैंस हमारी बांझ रहेंगी, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगी, तो किसान उसको कसाईयों को ही बेचेगा, क्योंकि वो और किसी काम के हो नहीं सकते, और कसाई उसको काटेंगे और उसका मांस भी बाजार में बिकने के लिए ही जाएगा। तो अगर हमें ये कत्ल खाने बंद कराने हो, अपने पशुओं की जान बचानी हो, अपनी अर्थव्यवस्था में 1,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी हो, और 12,00,000 करोड़ रुपए जो फालतू में हमारा बर्बाद हो रहा है इसको किसी तरह से बचाना हो, देश की धरती माता को समृद्ध बनाना हो, विषमुक्त बनाना हो, जहर मुक्त बनाना हो, शुद्ध बनाना हो, सात्विक बनाना हो, तो एक ही उपाय बचा है, सिर्फ एक है कि हमारे किसान जल्दी से जल्दी ये जहर वाली खेती बंद कर दें, विष डालने वाली खेती बंद कर दें, जहर मुक्त खेती करें, विष मुक्त खेती करें। यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं।
फिर किसान भाई पूछेंगे, अच्छा ठीक है आपकी बात मान लिया, हम जहर नहीं डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, एंडोसल्फान मेलाथियन नहीं डालेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं सरल भाषा में। अगर आप किसान हैं और खेती करते हैं तो एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे खेत में जो कुछ भी पैदा होता है, पौधे का निर्माण जो खेत में होता है, बीज, बीज में से पौधा, पौधे से फल, तो फल ज्यादा से ज्यादा मिले, तो पौधा अच्छे से अच्छा हो, तो बीज अच्छे से अच्छा हो, और जिस मिट्टी में बीज डाला गया वो मिट्टी अच्छे से अच्छी हो, ये सीधा एक चक्र है। तो मिट्टी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, फल तो अच्छा मिलने ही वाला है। तो मिट्टी को अच्छा बनाना है तो एक ही रास्ता है, उसको जहर मुक्त करो। उसमें जो आपने पिछले 40 साल से यूरिया डीएपी के नाम पर, एंडोसल्फान के नाम पर जो डाला है, ये मिट्टी से बाहर निकालो। अब आप बोलोगे जी मिट्टी से जहर बाहर निकाले इसके लिए कौन सी रासायनिक क्रिया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको इतनी सुंदर वस्तु दी है। मिट्टी का जहर 3 साल में पूरा खत्म हो जाता है अगर लगातार उस मिट्टी में पशुओं का गोबर और मूत्र मिलाकर डाला जाए। जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जैसे बैल है, तो गाय बैल भैंस का गोबर, गाय बैल भैंस का मूत्र, पशुओं का गोबर, पशुओं का मूत्र, ये दोनों मिलाकर मिट्टी में लगातार डाला जाए अगर, तो मिट्टी 3 साल में पूरी तरह से जहर मुक्त हो जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे, ये जो पशुओं का गोबर है इसमें जहर को खींचने की सबसे ज्यादा ताकत है। जैसे आपके शरीर में जहर चला जाए ना तो उस जहर की सफाई करने की ताकत आपकी किडनी में है, वैसे ही पशुओं के गोबर और मूत्र में जहर को साफ करने की सबसे ज्यादा प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दी गई ताकत है। तो पशुओं का गोबर और पशुओं का मूत्र अगर भरपूर मात्रा में मिट्टी में डाला जाए तो 1 साल लगातार डालो, 2 साल लगातार डालो, 3रे साल डालते डालते मिट्टी पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से सात्विक हो जाती है। उस मिट्टी में विष पूरी तरह से खत्म हो जाता है और 100% मिट्टी निरापद हो जाती है, विष मुक्त हो जाती है। अब आप बताओ इससे सस्ता और इससे अच्छा इलाज कहां हो सकता है। अब इसका 2 फायदे, एक तो मिट्टी हमारी जहर मुक्त हो गई, विष मुक्त हो गई, दूसरा पशुओं का गोबर और मूत्र अगर हमने खेत में डाला और उस गोबर और मूत्र से यह काम हुआ तो पशुओं की इज्जत हमारे जीवन में बढ़ गई, उनका सम्मान हमारे जीवन में बढ़ गया, क्योंकि वो हमारे लिए दूध के अलावा भी लाभकारी सिद्ध हुए। और पशु अगर ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने लगे किसानों को तो फिर कोई किसान पशु को बेचेगा ही नहीं और कसाई के हाथ में वो लगेंगे ही नहीं, तो काटने को उन्हें मिलेगा क्या, तो कत्ल खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो पशु हत्या का पाप जो इस देश के माथे पर लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, धुल जाएगा, वो भी काम होता है। गो माता की हत्या का कलंक भी मिटेगा। और जिन आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया है पिछले 10-12 वर्षों में, वो मुझे बताते हैं कि अगर खेत में लगातार गोबर गोमूत्र डाला जाए, उसमें से घास चारा पैदा किया जाए और वो घास चारा 3 साल किसी भी गाय भैंस को लगातार खिला दिया जाए तो उस गाय भैंस का बांझपन भी खत्म हो जाता है और 4थे साल वो संतान देने की स्थिति में आ जाती है। एक वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत रिसर्च किया उनका तो यहां तक कहना है कि ये पशुओं के शरीर में जो जहर चला गया है, इस जहर को बाहर निकालने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को लगातार पशुओं को खिलाया जाए तो पहले ही वर्ष में बहुत सारी गाय और भैंस मां बन जाती हैं। और उस वैज्ञानिक ने 1,000 गाय और भैंसों पर यह परीक्षण किया है और उनका नाम है डॉक्टर विनोद। उनसे मेरी बहुत लंबी वार्ताएं हुई हैं। उनका यह कहना है कि जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद की, जिनको हम 3-4 खुराक खिलाते हैं किसी भी गाय और भैंस को, सारे शरीर का जहर उनका निकल जाता है और जो गाय भैंस 3-3, 4-4 साल से मां नहीं बनी है वो पहली बार में ही मां बन जाती है और मां बनते ही उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर कोई किसान उसको कसाई को बेचने की सोचता भी नहीं है, वो घर में ही उसको बांध के रख लेता है, तो बांझपन की समस्या का भी समाधान होता है। तो खेत में हम डालें गोबर और मूत्र और मिट्टी को बनाएं शुद्ध और पवित्र और उसमें से जो उत्पादन है वो हम भी खाएं, हमारे पशुओं को खिलाएं, हम भी स्वस्थ बने, हमारे पशु भी स्वस्थ बने। आप सोचें आपको निरापद भोजन मिलने लगे
सजीव भोजन मिलने लगे, स्वस्थ भोजन मिलने लगे, जहर मुक्त भोजन मिलने लगे, तो आपके शरीर का कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन खत्म होता है। देश की खतरनाक बीमारियां कम होती हैं। उन बीमारियों के लिए खर्च होने वाला 7 लाख करोड़ रुपए बचता है, और वो 7 लाख करोड़ रुपए अगर देश के उत्पादन के और विकास के काम में लगा दिया जाए तो देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी 3-4 साल में ही मिटती है। तो रास्ता अब एक ही है कि हम हमारे खेतों में जहर और विष डालना बंद करें, गोबर गोमूत्र डालें। अब आप एक सवाल अक्सर मन में आता है और किसान मुझे कहते रहते हैं, वो ये कि क्या गोबर और मूत्र से उत्पादन उतना ही होता है जितना यूरिया डीएपी से होता है। मैं आपको इस बात को विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि गोबर और मूत्र से उत्पादन ज्यादा होता है यूरिया डीएपी की तुलना में, और दुनिया भर में ये परीक्षण हो गए। मैं आपको भारत के ही बारे में जानकारी देता हूं। भारत में हैदराबाद में एक संस्था है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काम करती है, सतत कृषि उसको हिंदी में कहते हैं। इस संस्था के द्वारा 20 लाख एकड़ जमीन में पिछले कई वर्षों से गोबर और मूत्र की खेती की जा रही है, और उनका कहना है कि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, 10-12-15-20% से लेकर 200% अब तक उत्पादन बढ़ा है किसानों का। गोबर और मूत्र की खेती में इतनी ताकत है। मैं आपको किसान भाई बहन है अगर आप, तो एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, वो ये कि पौधे को बड़ा होने के लिए और पौधे पर अच्छा फल लगने के लिए सबसे ज्यादा काम में अगर कोई चीज आती है ना, तो वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में जिस पौधे को मिलेगा, उस पौधे की बढ़त माने ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, उसका फल भी सबसे अच्छा होगा। जमीन से मिलने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है सल्फर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है मैग्नीशियम। तो ये 6 तरह के रसायन हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बाकी जितने भी रसायन हैं जिनकी संख्या 12 है, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कॉपर है, जैसे कोबाल्ट है, जैसे मैग्नीज है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये कुल मिलाकर 18 हैं। इनकी सबसे ज्यादा उपलब्धता अगर कहीं पर है तो वो पशुओं के गोबर और मूत्र में ही है, और उसके बाद भगवान की बनाई गई मिट्टी में है और कहीं भी नहीं है। आप जानते हैं यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट में तो 3 ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। बाकी चाहिए तो गोबर की तरफ ही लौटना पड़ेगा, मूत्र की तरफ ही लौटना पड़ेगा। कैल्शियम तो है नहीं यूरिया में, मैग्नीशियम तो है नहीं यूरिया में, मैग्नीज तो है नहीं यूरिया में, कोबाल्ट तो है नहीं यूरिया में, कॉपर तो है नहीं यूरिया में, और ये सब चाहिए मिट्टी को और पौधे को। तो यूरिया से तो मिलेगा नहीं, डीएपी में भी नहीं मिलेगा, सुपर फॉस्फेट में भी नहीं मिलेगा, उसमें तो 3 ही केमिकल मिलने वाले हैं, और खेत की मिट्टी को चाहिए 18 तरह के केमिकल। वो तो मिलेंगे गोबर और मूत्र से ही, क्योंकि गोबर और मूत्र में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप गोबर और मूत्र की खेती करें तो भूमि को सूक्ष्म पोषक तत्व तो भरपूर मिलेंगे, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन की दर बढ़ेगी, आपको फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन ज्यादा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। और जो उत्पादन आपको मिलेगा उसको बाजार में जब आप बेचेंगे तो उसका मूल्य भी भरपूर मिलेगा, कीमत भी भरपूर मिलेगी। आप मुंबई में कभी जाओ, जब आम का सीजन आता है तो मुंबई के बाजार में मैंने खूब देखा है, यूरिया डीएपी का आम खरीदो, हापुस, अल्फेंजो, तो आराम से मिल जाता है एक पेटी 200-250-300 रुपए का, और वही हापुस और अल्फेंजो खरीदो गोबर और मूत्र वाला तो एक पेटी मिलता है 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का। इस बार मैंने एक हापुस आम की कीमत मुंबई के बाजार में पता की थी 65 रुपए, क्योंकि उसका एक ही क्वालिटी था कि वो गोबर और मूत्र से पैदा किया हुआ है, और उसी के बराबर में 15 रुपए का दूसरा वैसा ही हापुस आम था, लेकिन उसकी क्वालिटी थी कि वो जहर के द्वारा उत्पादित किया हुआ है। मतलब सीधा सा ये है कि अगर गोबर मूत्र से खेती आप करते हैं तो उसके उत्पादन को भी बाजार में 4-5 गुनी कीमत आराम से मिलती है। भिंडी 40 रुपए किलो बिकती है जो गोबर मूत्र से पैदा होती है, और जो यूरिया डीएपी वाली भिंडी है उसको 15-20 रुपए में भी कोई नहीं पूछता है।
टमाटर का भाव, बैंगन का भाव, आलू का भाव सब ज्यादा है जो गोबर मूत्र से पैदा, गोबर मूत्र से पैदा किया हुआ गेहूं 21 रुपए, 25 रुपए, 27 रुपए, 30 रुपए किलो आराम से बिकता है, और यूरिया डीएपी का गेहूं 10 11 रुपए किलो में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। तो हर वस्तु जो हम पैदा करेंगे गोबर और मूत्र से, उसका भाव अच्छा है, उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, जमीन सुधरेगी, फसल का उत्पादन सुधरेगा, आप खाएंगे तो आपका शरीर सुधरेगा, दूसरे खाएंगे तो उनका शरीर सुधरेगा, सब तरफ से देश के लिए अच्छा है गोबर गोमूत्र की विष मुक्त खेती करना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी किसान भाइयों से कि जल्दी से जल्दी वो अपने खेत को विष मुक्त बनाए और गोबर गोमूत्र को खेत में लाए। अब आप ये पूछेंगे कि जरा मात्रा बता दो, गोबर कितना डालना, मूत्र कितना डालना, खेत में कब कब डालना, किस फसल में कितना डालना, यह तकनीकी सवाल अक्सर हमारे सामने आ जाता है। तो मैं एक सरल सूत्र बताता हूं जिसको भारत में पिछले 12-15 वर्षों में हजारों किसानों ने अपनाया है और बहुत लाभ उनको हुआ है। किसी भी एक एकड़ खेत में आप चाहे तो इस सूत्र को लिख लीजिए ताकि आप अपने महाराष्ट्र के गांव गांव में जाकर किसानों को बता सकें, क्योंकि किसानों को जब भी आप ये समझाएंगे कि गोबर गोमूत्र की खेती करो तो वो एक ही प्रश्न करेंगे, हमको तो मालूम ही नहीं है गोबर कितना मिलाना, मूत्र कितना मिलाना, क्या क्या उसमें डालना, कितनी कितनी बार डालना। तो ये आप लिख लेंगे तो आपको लाभ होगा और बता सकेंगे आप किसानों को, तो उनको और ज्यादा लाभ होगा। एक एकड़ खेत के लिए, किसी भी फसल में एक एकड़ खेत के लिए, फसल कोई भी हो, गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, मूंगफली की हो, या तो सब्जियों की फसल हो, कोई भी फसल हो, एक एकड़ खेत के लिए एक बार में 15 किलो गोबर लगता है। और ये गोबर किसी भी जानवर का हो, बड़े जानवर का हो, गाय का हो, या तो बैल का हो, या तो भैंस का हो, बड़े जानवर हमारे गांव में ये तीन ही है, गाय बैल भैंस, तो या तो गाय का, या तो बैल का, या तो भैंस का 15 किलो गोबर, और उसमें मिलाइए 15 लीटर मूत्र उसी जानवर का, गाय का, या तो बैल का, या तो भैंस का, 15 किलो गोबर, 15 किलो मूत्र दोनों मिला लीजिए प्लास्टिक के एक ड्रम में, और मिलाकर इसमें 1 किलो गुड़ डाल दीजिए, गुड़, और गुड़ ऐसा डालिए जो हम नहीं खा सकते, जानवर भी नहीं खा सकते, खराब हो जाता है, बहुत बेकार होता है, जिस गुड़ को कोई नहीं खाता, जिसमें बदबू आने लगती है, जो पानी की तरह से फैल जाता है, बेकार समझ के हम जिसको फेंक देते हैं, वो गुड़ खाद बनाने में सबसे अच्छा काम आता है। तो 1 किलो गुड़, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, फिर इसमें 1 किलो डालिए दाल का आटा, उड़द की दाल है तो सबसे अच्छा, मूंग की दाल हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, अरहर की दाल हो सकती है, चने की दाल हो सकती है, खेसारी की दाल हो सकती है, सोयाबीन की दाल हो सकती है, कोई भी दाल। 1 किलो दाल का आटा, दाल को पीसकर उसका पाउडर या आटा, और अंत में 1 किलो मिट्टी, मिट्टी डालनी है एक ऐसे पेड़ के नीचे से उखाड़कर जो पेड़ बहुत साल पुराना आपके गांव में लगा हुआ है, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, पुराना पेड़ हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना, उस खेत के नीचे से 1 किलो मिट्टी खोदकर इसमें डालना। तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा और 1 किलो पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, ये पांच वस्तुओं को प्लास्टिक के एक ड्रम में मिला देना, डंडे से मिला देना, चाहे हाथ से मिला देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलाने के बाद इसको 15 दिन तक रखना, इसमें 15 दिन तक एक ही काम करना, सुबह और शाम डंडे से इसको घुमाते रहना, 15 दिन तक इसको ऐसे ही रख देना ड्रम में मिला के, और डंडे से सुबह शाम घुमाते रहना, 15 दिन में ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इस खाद में लगभग 150 से 200 लीटर पानी मिलाना, कम से कम 150 लीटर, अधिक से अधिक 200 लीटर, और अधिक से अधिक सीधे ही लिख लीजिए 200 लीटर पानी मिलाकर, अब ये जो घोल तैयार हो गया है ये एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त खाद है, एक एकड़ खेत के लिए। अगर 2 एकड़ खेत है तो ये सभी मात्राओं को 2 गुना कर दीजिए, 3 एकड़ खेत है तो सभी मात्राओं को 3 गुना कर दीजिए, एकड़ के हिसाब से आप इसको बढ़ाते जाइए। अब इसको खेत में डालना कैसे है, अगर खेत खाली है, कोई फसल खेत में नहीं है, तो इसको सीधे स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी को भिगाने के हिसाब से, डब्बे में भर भर के छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप में भर के छिड़क सकते हैं, स्प्रे पंप का नोजल निकाल देंगे तो यह छिड़कना आसान होगा, अगर नोजल लगा हुआ तो उसमें यह फंस जाएगा, तो नोजल निकाल के छिड़क सकते हैं। तो खाली खेत में मिट्टी पे छिड़कना है, और फसल अगर खेत में खड़ी हुई है तो जब फसल में पानी लगाएंगे तो पानी के साथ इसको मिला देना है।
मान लीजिए आपके खेत में फसल लगी है और पानी के लिए नाली आपने बना रखी है, उस नाली के मुहाने पर कोई बैठ जाएगा और डब्बे से इसको पानी में डालता जाएगा, पानी के साथ ये पूरे खेत में चला जाएगा। एक एकड़ खेत के लिए ये खाद पर्याप्त है और इसको आप हर 21 दिन में दोबारा से डाल सकते हैं। आज आपने डाला तो 21 दिन बाद फिर डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं, फिर 21 दिन बाद डाल सकते हैं। मतलब इसका है कि 3 महीने की फसल है तो कम से कम 4 से 5 बार डाल दीजिए, 4 महीने की फसल है तो 5 से 6 बार इसको डाल दीजिए, 6 महीने की फसल है तो 7-8 बार डाल दीजिए, साल भर की फसल है जैसे आप गन्ना लेते हैं, ऊस लेते हैं, तो उसमें आप इसको कम से कम 14-15 बार डाल दीजिए, इसको हर 21 दिन में डालते जाना। तो ये खाद से आप किसी भी फसल को भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, गेहूं, धान, चना, चावल, दाल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, सब तरह की फसलों में यह डालकर देखा गया है, इसके बहुत अच्छे और बहुत अद्भुत परिणाम है। समस्त राष्ट्र का शत शत नमन, निर्वाण के 125 वर्ष। बाल दिवस के पावन अवसर पर स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पावन स्मृति को आस्था परिवार का शत शत वंदन। सबसे अच्छा परिणाम क्या आता है इसका कि आपकी जिंदगी का जो खाद का खर्चा है 60% वो एक झटके में खत्म हो गया। फिर दूसरा खर्चा क्या खत्म होता है, जब आप ये गोबर मूत्र का खाद डालेंगे तो खेत में विष कम हो जाएगा, तो जंतुनाशक डालना और कम हो जाएगा, कीटनाशक डालना और कम हो जाएगा, यूरिया डीएपी का असर जैसे जैसे मिट्टी से कम होता जाएगा, बाहर से आने वाले कीट और जंतु भी आपके खेत में कम होते जाएंगे, तो जंतुनाशक और कीटनाशक डालने का खर्च भी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। और लगातार 3-4 साल आपने ये खाद बनाकर डाल दिया तो लगभग तय मानिए आपके खेत में कोई भी जहरीला कीट और जंतु आएगा नहीं, तो उसको मारने के लिए दवा डालने की जरूरत और गरज भी नहीं पड़ेगी। तो 20% वो जो फालतू खर्चा था वो भी बच जाएगा, माने खेती का 80% खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरी बात इस खाद के बारे में कि ये सभी फसल के लिए है, कोई भी फसल, रवी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो। हमारे यहां फसल चक्र में 3 मुख्य फसलें हैं, रवी, खरीफ, जायद, तीनों तरह की फसलों में ये काम आता है, इसलिए इस फॉर्मूले में ज्यादा कोई जटिलता नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और जानवर
जो गोबर दे रहा है, मूत्र दे रहा है, वो आसानी से किसी भी गांव में मिल जाते हैं। भले वो दूध ना दें, लेकिन गोबर और मूत्र तो वो दे ही दे रहे हैं। उनको इकट्ठा करने की बात है। गोबर इकट्ठा करना तो बहुत आसान है, जानवरों का मूत्र इकट्ठा करना भी आसान है। जब भी जानवर मूत्र देते हैं, आप ऐसा करिए, उनको बांधने का जो स्थान है जानवरों का, वो थोड़ा मिट्टी से और ईंट से थोड़ा पक्का बना दीजिए, सीमेंट कर दीजिए या पत्थर लगा दीजिए, और उस स्थान को थोड़ा ढाल दे दीजिए, फिर उसमें एक नाली बना दीजिए और बीच में खड्डा डाल दीजिए। तो जो भी मूत्र करेंगे जानवर, वो सब नाली में आ जाएगा, खड्डे में इकट्ठा हो जाएगा। अब जानवरों के मूत्र की एक विशेषता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। गाय के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, बैल के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं, भैंस के मूत्र की एक्सपायरी डेट नहीं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी दिन पड़ा रहे खड्डे में, वो खराब बिल्कुल नहीं होता। इसलिए आप बिल्कुल निर्द्वंद तरीके से इसका इस्तेमाल करिए। मन में कोई द्वंद मत लाइए कि ये पुराना हो गया कि ये नया हो गया। हमने तो ये अनुभव पाया है कि जितना पुराना जानवरों का मूत्र होता जाता है, क्वालिटी उतनी ही अच्छी उसकी होती जाती है। और ये जितने भी मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों के कीटनाशक जंतुनाशक है, सबकी एक्सपायरी डेट है, आप जान लीजिए। और उसके बाद भी कीड़े मरते नहीं है, और किसान उसको कई बार चख कर देखते हैं कि नकली तो नहीं है, किसान मर जाते हैं, कीड़े नहीं मरते हैं उससे। तो मल्टीनेशनल के कीटनाशक लेने से अच्छा है कि गाय के मूत्र, भैंस के मूत्र, बैल के मूत्र का उपयोग करना। तो इसको खाद में इस्तेमाल करिए, ये एक तरीका है। हर 21 दिन पे इस्तेमाल करिए, हर फसल में इस्तेमाल करिए। लगातार 3 साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी मिट्टी को एकदम पवित्र और शुद्ध बना देगा। मिट्टी में एक कण भी जहर का नहीं बचेगा 3 साल के बाद इस खाद का इस्तेमाल करने से। दूसरा, आप इसी तरह से कीटनाशक भी खुद तैयार कर सकते हैं। बाजार से किसी विदेशी कंपनी का 15,000 रुपए लीटर का कीटनाशक लाने से अच्छा है इन जानवरों के मूत्र से ही कीटनाशक बना लेना। तो अगर जरूरत पड़े, कभी किसी फसल में आपको कीट लग गया, कोई जंतु लग गया, उसको खत्म करना है, उसको मारना है, तो उसके लिए भी एक सूत्र आप लिख लीजिए। कीटनाशक बनाना भी बेहद आसान है, कोई भी किसान भाई अपने घर में बना सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 एकड़ खेत के लिए अगर कीटनाशक तैयार करना है तो 20 लीटर जानवरों का मूत्र चाहिए, चाहे तो गाय का, चाहे तो बैल का, चाहे तो भैंस का। 20 लीटर मूत्र में लगभग 2.5 किलो, आधा किलो प्लस माइनस हो सकता है, 2.5 किलो से 3 किलो हो सकता है, 2.5 किलो का 2 किलो भी हो सकता है। तो आधा किलो प्लस माइनस रख के बोल रहा हूं, लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम नीम की पत्ती को पीसकर उसकी चटनी मिलाइए 20 लीटर मूत्र में। नीम के पत्ते को पीसकर उसकी चटनी, नीम के पत्ते से भी अच्छा होता है नीम की निम्बोली की चटनी। आप जानते हैं नीम पर एक फल लगता है निम्बोली जैसा, वो अगर मिल जाए तो 2.5 किलो निम्बोली की चटनी वही 20 लीटर मूत्र में मिलाना है, नहीं तो 2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी। इसी तरह से एक दूसरा पत्ता होता है धतूरे का पत्ता, लगभग 2.5 किलो धतूरे के पत्ते की चटनी, 2 किलो 500 ग्राम धतूरा। आप सभी जानते हैं, आसानी से गांव के किसान उसको पहचानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां धतूरा नहीं होता। तो धतूरे के पत्ते की चटनी। तीसरा एक पेड़ होता है जिसको आंकड़ा कहते हैं, आंख भी कहते हैं कई लोग, आंकड़ा भी कहते हैं, अर्कमदार कहते हैं उसको आयुर्वेद में। तो अर्कमदार, आंकड़ा, आंख, इसके भी पत्ते लगभग 2.5 किलो, 2 किलो 500 ग्राम इसकी चटनी। और इसके बाद चौथा एक पेड़ है जिसको बेलपत्री कहते हैं, जिसके पत्ते शंकर भगवान के ऊपर आप सब चढ़ाते हैं, बेलपत्री, बेलपत्र, बिल्वपत्र भी कहते हैं कुछ लोग उसको। तो बेलपत्री, बिल्वपत्र के 2.5 किलो पत्ते की चटनी। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है सीताफल, हमारे उत्तर भारत में उसको शरीफा कहते हैं, महाराष्ट्र में सीताफल और कई जगह सीताफल कहते हैं। तो सीताफल के पत्ते की चटनी 2.5 किलो। आड़ू, अगर आड़ू के पत्ते मिल जाए तो वो भी 2.5 किलो लगभग।
परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि आड़ू के पत्ते में कीट को मारने की या खत्म करने की सबसे ज्यादा शक्ति है, उसका रस पड़ते ही कीट मरते हैं, तो आड़ू के पत्ते अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये 5-6 तरह के पेड़ों के पत्ते आप ले लो, 2.5-2.5 किलो, इनको पीसकर 20 लीटर जानवरों के मूत्र में डालकर उबालना है, गर्म करना है, और इसमें थोड़ा उबालते समय 0.5 किलो से 750 ग्राम तक तंबाकू का पाउडर और डाल देना, तंबाकू का पाउडर 0.5 किलो कम से कम, 750 ग्राम अधिक से अधिक, ये डालकर उबाल लेना है। उबालकर इसको ठंडा कर लेना है, और ठंडा करके इसको आप बोतलों में भर के रख लीजिए, ये कभी भी खराब नहीं होता, ये कीटनाशक तैयार हो गया। अब इसको डालना कैसे, स्प्रे कैसे करना है, जितना कीटनाशक लेंगे उसका 20 गुना पानी, अगर 1 लीटर कीटनाशक लिया तो 20 लीटर पानी, 10 लीटर कीटनाशक लिया तो 200 लीटर पानी, जितना कीटनाशक आपका तैयार हो गया उसको अंदाजा लगा लीजिए आप, जितनी उसकी मात्रा तैयार हो गई उसका 20 गुना पानी उसमें मिला दीजिए, मिलाकर इसको आप खेत में छिड़क सकते हैं किसी भी फसल पर। और इसको छिड़कने का परिणाम यह है कि 2-3 दिन के अंदर, लगभग 48-72 घंटे के अंदर, जिस फसल पर आपने स्प्रे किया उस पर कीट और जंतु आपको दिखाई नहीं देंगे, कीड़े और जंतु सब पूरी तरह से 2-3 दिन में ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इतना प्रभावशाली यह कीटनाशक बनके तैयार होता है। यह बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के कीटनाशक से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है और एकदम फोकट का है, बनाने में कोई खर्चा नहीं है। जानवरों का मूत्र मुफ्त में मिल जाता है, आपको नीम के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, निम्बोली मुफ्त में मिल जाएगी, आंकड़ा के पत्ते मुफ्त में मिल जाएंगे, आड़ू के पत्ते, सब तरह के पत्ते मुफ्त में हर गांव में उपलब्ध हैं। तो ये आप कीटनाशक के रूप में, जंतुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल करिए। और तीसरी एक जानकारी और देना चाहता हूं, अच्छी उत्पादन और फसल लेने के लिए जो बीज आप खेत में डालते हैं उस बीज को पहले संस्कारित करिए फिर मिट्टी में डालिए। बीज संस्कार करने के लिए एक छोटा सा सूत्र और बताना चाहता हूं, जिसमें बीज को डुबोकर रखिए फिर खेत में डालिए। मान लीजिए आपको गेहूं का बीज लगाना है, मान लीजिए बाजरी का बीज लगाना है या मक्की का बीज लगाना है, तो बीज ले लीजिए 1 किलो। 1 किलो बीज के अनुसार यह सूत्र मैं बता रहा हूं, अगर 2 किलो हो तो सब चीजों को दुगना कर लीजिएगा। 1 किलो जानवरों का गोबर ले लीजिए, किसी भी जानवर का हो, गाय का, बैल का, भैंस का, 1 किलो गोबर ले लीजिए, और उसी जानवर का 1 किलो मूत्र ले लीजिए। गोबर और मूत्र को आपस में मिला दीजिए, फिर इसमें 100 ग्राम कलई चूना मिलाना है। कलई चूना आप समझते हैं जिससे पुताई करते, चूने का पत्थर बाजार में आता है, 100 ग्राम का पत्थर खरीदेंगे 10-15 पैसे में मिल जाएगा। उस चूने के पत्थर को 1 दिन पहले पानी में डाल दीजिए, 2-3 लीटर पानी में, रात भर में वो पानी एकदम गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा होके चूना शांत होके नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, फिर इसको घोल लीजिए चूना और पानी को, और इसको 1 किलो गोबर 1 लीटर मूत्र वाले पात्र में डाल दीजिए। तो गोबर मूत्र और 100 ग्राम कलई चूने में जितना पानी तैयार हुआ वो सब मिला दीजिए, और अच्छे से घोल कर इसमें बीज को डाल दीजिए, गेहूं का बीज हो या तो मक्की का हो या तो सब्जियों का, कोई भी बीज को डाल दीजिए। 1 किलो बीज इसमें आराम से भीग जाता है, वैसे अगर आप थोड़ा पानी डाल देंगे तो 2 किलो तक बीज भीग जाए। बीज को इसमें 2-3 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक डाल के रखिए, रात में डाल दीजिए, सुबह हो गई तो बीज को निकाल लीजिए, निकालकर इस बीज को छांव में सुखा दीजिए, और छांव में सुखाने के बाद ये बीज को आप खेत की मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये बीज जो लगेगा मिट्टी में ये संस्कारित हो गया। अब इस संस्कारित बीज के 2 फायदे हैं, एक तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और इस फसल पर जल्दी कोई कीट नहीं लगेगा, जल्दी कोई जंतुनाशक से आपको मुक्ति मिल गई और फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया। तो बीज संस्कार करने का एक सूत्र है, कीटनाशक बनाने का एक सूत्र है, और खाद बनाने का एक सूत्र है। इन 3 सूत्रों का भरपूर प्रयोग आप अपने खेत में करिए, और अपने किसान मित्रों को, किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको बताइए। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप में से कोई किसान भाई बहन है तो इस वर्ष अपने खेत के कम से कम 1 एकड़ में ये करके देखिए, और 1 एकड़ में आपने ये करके देखा, इसका परिणाम अगर अच्छा आया तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में करिए, और ज्यादा अच्छा परिणाम आया तो पूरे गांव के खेत में करा दीजिए इसको,
फिर पूरे जिले के खेतों में करा दीजिए। जैसे आप गांव गांव जाकर योग प्राणायाम सिखाते हैं ना, वैसे गांव गांव जाकर किसानों को यह सूत्र सिखाना शुरू कर दीजिए गोबर गोमूत्र की खाद का, तो योग प्राणायाम से तो शरीर दुरुस्त हो जाएगा और ये गोबर गोमूत्र की खाद से उनका खेत अच्छा हो जाएगा, मिट्टी अच्छी हो जाएगी, तो सोने में सुहागे की स्थिति बन जाएगी। माने इधर शरीर स्वस्थ हुआ, उधर मिट्टी स्वस्थ हुई, उसमें से पैदा हुआ अनाज स्वस्थ मिला, उसमें से पैदा सब्जियां स्वस्थ मिली, उसमें से घास चारा अच्छा पैदा हुआ, घास चारा जानवर खाएंगे दूध बढ़ेगा और उनकी बीमारियां कम होंगी, हम स्वस्थ भोजन खाएंगे हमारी बीमारियां कम होंगी, डॉक्टरों का खर्चा बचेगा, तो सारे जड़ मूल से व्यवस्था का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और मेरा यह मानना है कि अगर एक गांव में एक किसान भाई ने भी यह कर लिया तो एक साल के अंदर पूरा गांव इसको कर लेगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि भारत के किसान इतने होशियार हैं, इतने अकल वाले हैं कि अच्छी चीज देखते हैं तो उसका पालन करने में वो बिल्कुल देरी नहीं करते। बस इतना ही आपको यह करना पड़ेगा कि जो सूत्र मैंने आपको हिंदी में बता दिया आप इसका मराठी भाषांतर करके बताएंगे तो महाराष्ट्र के किसानों को और जल्दी और गहराई से ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और किसान भाइयों को एक बात बताइए जो उनके दिमाग से भ्रम निकालना है। भारत के आधुनिक कृषि वैज्ञानिकों ने एक भ्रम किसानों के मन में डाल दिया है, वो भ्रम आप निकालिए। किसानों को यह समझाइए कि फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन सूरज की पड़ने वाली धूप से तय होता है, ना किसी दूसरी चीज से। जिस पौधे को धूप जितनी अच्छी मिलेगी, जिस पौधे को पानी जितना स्वच्छ और साफ मिलेगा, जिस पौधे को हवा जितनी अच्छी मिलेगी, उसका उत्पादन उतना अच्छा होगा। दूसरा, मिट्टी में से पौधा जो लेता है सूक्ष्म पोषक तत्वों को, वो कुल मात्रा का 5% से ज्यादा नहीं होता। मात्र 5% ही पौधा मिट्टी से लेता है, 95% पौधा सूर्य से, हवा से और पानी से लेता है। इसलिए किसानों को यह समझाइए कि सूरज की धूप पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर वो ध्यान दें, ना कि खेत की मिट्टी में से सूक्ष्म पोषक तत्व तो ज्यादा मिले। मिट्टी से तो 5% लेना है, इससे ज्यादा वो लेगा नहीं। और एक बात आप किसान भाइयों को बताइए कि और अच्छा उत्पादन अगर लेना है अपने खेत में, ये तो एक तरीका हुआ उत्पादन लेने का, खर्चा कम करना, उत्पादन ज्यादा लेना। इससे भी अच्छा उत्पादन अगर खेत में से लेना है तो किसान भाइयों को कहिए कि एक फसल के साथ दूसरी फसल जरूर करें, दूसरी फसल के साथ तीसरी फसल करें, तीसरी के साथ चौथी करें। माने जिसको हम लोग मिक्स क्रॉप कहते हैं ना, कई फसलें एक साथ करना, यह सबसे ज्यादा उत्पादन लेने का अच्छा तरीका है। जैसे मैं आपको महाराष्ट्र के हिसाब से बताना चाहता हूं, कपास महाराष्ट्र में बहुत होता है, तो किसानों को कहिए कि कपास के साथ तुअर की खेती जरूर करें, दोनों का उत्पादन बढ़ता है, तुअर का भी उत्पादन बढ़ेगा, कपास का भी बढ़ेगा। कारण क्या है? कपास मिट्टी में से जिस सूक्ष्म पोषक तत्व को ज्यादा लेता है, तुअर उसी सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी को ज्यादा देती है। कपास की अच्छी फसल होने के लिए नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, और तुअर का जो जड़ होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है मिट्टी में, तो तुअर को कपास के साथ लेना शुरू करें, दोनों का उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह से गेहूं के साथ ऐसी दूसरी कई सारी फसलें हैं जो हमारे किसान कर सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों बहुत अच्छे से होता है, सरसों का भी उत्पादन ज्यादा मिलता है, गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। और मेरे से ज्यादा ये बात तो किसान जानते हैं, सैकड़ों साल से वो खेती कर रहे हैं। उनको कहिए कि 50 साल पहले आप जो जो फसलें एक दूसरे के साथ मिक्स करके करते थे वो सब शुरू कर दीजिए, तो सबसे ज्यादा उत्पादन उसी में मिलता है और मिट्टी का सुधार सबसे ज्यादा उसी में होता है। मैंने यहां उत्तराखंड में देखा है और हिमाचल में देखा है, बहुत सारे किसान भाई एक साथ एक ही खेत में 7 फसल लगाते हैं, 7-7 फसल लगाते हैं और हर फसल ज्यादा होती है उनकी, और ये काम वो सैकड़ों साल से करते चले आ रहे हैं। तो इसी तरह के किसान भाई हमारे पूरे भारत देश में एक साथ कई फसलें लगाएंगे अपने खेत में तो उससे उनको बहुत लाभ होने वाला है। और एक भ्रम हमारे किसानों का दूर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। किसानों को निवेदन यह करना है कि ये गोबर गोमूत्र का जो खाद हम खेत में डालेंगे, इस खाद की मदद से पानी बहुत कम खेत को लगता है। यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी खेत में लगाना पड़ता है।
मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, अगर यूरिया डीएपी से गेहूं की खेती करें तो कम से कम पूरी खेती को करने में 5 से 6 बार पानी देना पड़ता है, लेकिन गोबर और गोमूत्र से गेहूं की खेती करें तो 3 बार और 2 बार पानी देने में ही बहुत अच्छी भरपूर खेती हो जाती है। माने पानी का उपयोग भी कम होता जाता है। और यह बात ध्यान देने की है कि गोबर गोमूत्र का उपयोग करके जब आप खेती कर रहे हैं तो खेत में आपको हमेशा पानी भरा रहे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी खाली खेत की गीली होती रहे, मिट्टी में खाली नमी बनी रहे, अगर इतने ही पानी का आप उपयोग करेंगे तो भी फसल बहुत अच्छी आती है। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खेत में पानी भर के 2-3 दिन छोड़ देते हैं। गोबर गोमूत्र की खेती में खेत में पानी भर के रखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा पानी जो मिट्टी को भिगा दे इतना ही फसल के लिए पर्याप्त है। तो हमने देखा है कि गोबर गोमूत्र की खेती करने में 80% खर्चा तो खाद और कीटनाशक का बच गया, करीब करीब 50 से 60% खर्चा पानी का बच गया, और इस गोबर गोमूत्र की खेती में बहुत कम मात्रा में खरपतवार होती है तो खरपतवार निकालने का खर्चा भी बच गया। माने किसान की जिंदगी का लगभग 90% खर्चा बचता है, 10% खर्चे में ही खेती हो जाती है। और मैं आपको गणित से यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसान भाई गोबर गोमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में तो 100 रुपए आप लागत में लगाएंगे तो 1000 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10 रुपए लागत में आप लगाएंगे 100 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए 1,00,000 रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है, जहर मुक्त खेती है, इसमें 900% मुनाफा बहुत आराम से होता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900% मुनाफा आप नहीं कमा सकते, बेईमानी से तो 1000% कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900% मुनाफा कमा सकते हैं। और यह मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है। मैं तो आप सब लोगों को एक विनती यह करूंगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है अतिरिक्त रूप से, थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है, भले आपने गहने खरीद के रखे हो, भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हो, भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, वो सब निकाल लीजिए, जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 5 एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए। भविष्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं चावल चना दाल सब्जियां उपलब्ध होंगी, तो वो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे, वो आप में से ही तैयार होंगे तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए, परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे, उत्पादन आप करें, बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो, तो उत्पादक और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना तोड़ सके। और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं अपने अभियान को पूरी तरह से सफल कर पाए। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, वो ये कि भारत में आजादी की लड़ाई जब हुई तो इस आजादी की लड़ाई में आपको शायद यह जानकारी है कि सबसे ज्यादा किसानों ने भाग लिया था। 1857 की क्रांति रही हो, 1905 का स्वदेशी आंदोलन रहा हो, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, या 1930 का नमक सत्याग्रह रहा हो, जितने भी आंदोलन भारत में हुए सब में किसानों ने आगेवाणी की, माने वो अगुवाई में थे, माने वो लीडरशिप में थे, और सभी आंदोलनों को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद किसानों की तरफ से हुई। दूसरे नंबर पर व्यापारियों ने मदद की, उद्योगपतियों ने मदद की। तो किसानों ने, कारीगरों ने और व्यापारियों ने मदद की तो सारे देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आंदोलन हुआ। आजादी के आंदोलन के बारे में एक अनुमान है कि 480 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उस समय 1857 की लड़ाई में, इसमें से अधिकांश पैसा किसानों ने दिया था, फिर कारीगरों ने और व्यापारियों ने दिया था।
तो किसानों ने पैसा दिया कैसे? उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने दिया। किसानों के पास पैसा कहां से आया? उस समय खेती में उत्पादन बहुत अच्छा था। अंग्रेजों के आंकड़े बताते हैं कि सन 1840 तक इस देश में एक एकड़ खेत में 56 क्विंटल धान पैदा होता था। पश्चिम महाराष्ट्र के दस्तावेज है, कोल्हापुर सांगली सतारा के आसपास के इलाके में 1840 में एक एकड़ में 120 मीट्रिक टन ऊस उत्पन्न होता था। पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, पुराने दस्तावेज बताते हैं, अभिलेखागार में आर्काइव्स में है, वो बताते हैं कि एक एकड़ में 12 से 15 क्विंटल कपास आराम से उत्पन्न होती थी। अब 56 क्विंटल धान, 120 मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन, ऊस का उत्पादन, 12 से 15 क्विंटल कपास, भरपूर उत्पादन होता था किसानों के खेत में। और उस उत्पादन का कारण ही यह था कि किसान सबसे ज्यादा गोबर और मूत्र से खेती करते थे, जानवरों के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल करते थे। तो गोबर गौमूत्र की खेती करके उस जमाने के किसान सबसे ज्यादा श्रीमंत थे। इसलिए हमारे देश में यह कहा जाता था, उत्तम खेती मध्यम बाण, करे चाकरी कुकर निदान। उत्पादन भरपूर था, आमदनी भरपूर थी, और जिनके पास आमदनी बहुत होती है वही दान कर सकते हैं। भिखारी क्या दान करेगा, उसके पास तो खुद ही नहीं होता खाने को। तो आजादी की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा दान किसानों ने दिया, यह बात अंग्रेजों को समझ में आई थी, और इसलिए किसानों को खत्म कर देने के लिए उन्होंने साजिश रचाई थी, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया, फिर ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट लाया। तो अंग्रेजों ने साजिश के साथ किसानों को तोड़ा और बर्बाद किया। अब यह साजिश हमारे समझ में आ गई है, अब इस साजिश को खत्म करना है, इस साजिश को बेकार करना है, इस साजिश को पूरी तरह से प्रभावहीन करना है। तो उसका एक ही तरीका है कि किसानों को वापस उस खेती पर लाया जाए जिस खेती को करके वो हजारों साल दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्धशाली थे, और वो खेती यही है, गोबर गोमूत्र की खेती, विषमुक्त खेती, जहर मुक्त खेती। तो किसान भाइयों को तो इस तरफ आना ही पड़ेगा। आप उत्पादन करें, बाजार में उसको बेचने के लिए तंत्र तैयार हो रहा है, आपका उत्पादन और हमारा बिक्री का तंत्र, ये दोनों मिलेगा तो पूरे देश में ऐसी जबरदस्त क्रांति आएगी कि सारे किसान तो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगे, स्वयंपूर्ण हो जाएंगे, समृद्धशाली हो जाएंगे, और जो खाने वाले हैं क्रेता, जो खरीदने वाले ग्राहक हैं, वो शुद्ध अनाज खाकर स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी, और वो ताकत बढ़ाकर देश की व्यवस्था परिवर्तन के काम में और ज्यादा अपना विक्रम दिखा पाएंगे, अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर पाएंगे। तो सबके भले में सबका भला, ऐसी स्थिति है ये विषमुक्त खेती और समृद्ध किसान की जो बात आपके सामने रखी है। इस बात में हम सब पहले अपने जीवन में थोड़ा आचरण में उतारे, खेत में एक एक एकड़ में करके देखें जिनके पास भी खेत है, फिर अपने पड़ोसी किसानों को एक एक दो दो एकड़ में कराएं, फायदा मिले तो अगले साल पूरे खेत में गांव गांव में हो, और थोड़े दिन के बाद जिन जिन गांवों में योग प्राणायाम की कक्षाएं लगती हैं, हर उस गांव के सामने एक बोर्ड लग जाए, जैसे हरिकिशनपुरा का बोर्ड मुझे याद आता है कि ये पूरा गांव बिकाऊ है, क्योंकि हर गांव के परिवार पर 6 लाख रुपए का कर्ज है, क्योंकि जहर खेत में डाला है उसके लिए कर्ज हुआ है। तो इसका उल्टा बोर्ड लगे कि ये गांव अब समृद्धशाली है, संपत्तिवान है, इस गांव के किसी किसान पर कोई कर्ज नहीं है, यहां का किसान पहले रोडपति था अब करोड़पति है, पहले कर्ज लेता था बैंक से अब कर्ज देता है बैंक को, इसकी खेती में इतना उपजाऊपन बढ़ गया है कि सारे देश का पेट भरने की ताकत अब इस किसान में आई है। इस तरह के बोर्ड जगह जगह गांव में लग जाए, विषमुक्त खेती वाला गांव, जहर मुक्त खेती वाला गांव, एक नाम, दो नाम, 20 नाम, 50 नाम, 1000 नाम, तो ये इतनी बड़ी खबर होगी कि दुनिया भर का मीडिया आएगा, उस गांव के बारे में फिल्में बनाएगा, सारी दुनिया में उसकी चर्चा होगी, और दुनिया भर के लोग आप अगर चाहेंगे तो आपके सामने झोली फैलाकर खड़े होंगे कि भाई 1 किलो गेहूं दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला, 1 किलो गन्ना दे दो ना गोबर गोमूत्र वाला, क्योंकि उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मांग रहे हैं। हजारों अरब डॉलर का दुनिया में बाजार है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का, आप जानते हैं, इस बाजार की भरपाई करना भारत की ताकत में है। लंदन में अभी एक ऑर्गेनिक फूड स्टोर में मैं गया, वहां मैंने पूछा तो वहां पता चला आलू जो है गोबर गोमूत्र का पैदा हुआ 4 पाउंड का 1 किलो है, और यूरिया डीएपी का 1 पाउंड का 1 किलो है।
तो एक पौंड का एक किलो आलू है यूरिया डीएपी का, और चार पौंड का वही एक किलो आलू है गोबर और गोमूत्र का। मतलब लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में चार गुना भाव तो अभी मिल रहा है आलू का। अगर सारे देश में इसी तरह के उत्पाद हम दे सके और सारी दुनिया में उनको सप्लाई कर सके तो चार चार गुनी कीमत डॉलर में, पाउंड में, यूरो में हम लाएंगे और भारत के किसानों के खातों में डॉलर, पाउंड और यूरो ही जमा कराएंगे। और डॉलर, पाउंड, यूरो जैसे जैसे भारत में आएगा, भारत की इज्जत और हैसियत बढ़ती जाएगी। ये रुपए और डॉलर की कीमत, डॉलर और रुपए की कीमत या पाउंड और रुपए की कीमत, ये बदलती चलना शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं जिस मुद्रा की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कीमत घट जाती है। तो आप उसको सिद्ध कर दीजिए इस देश में, डॉलर की कीमत घटानी है, पाउंड की कीमत घटानी है, उसकी उपलब्धता बढ़ा दीजिए, कीमत अपने आप घट जाएगी। उसकी उपलब्धता बढ़ाने का एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपको भरपूर डॉलर और पाउंड मिलने लगेगा। तो एक तरीका यह भी है रुपए की कीमत बढ़ाने का, डॉलर और पाउंड की कीमत घटाने का। डॉलर पाउंड की सप्लाई इधर बढ़ाओ और डिमांड उसकी कम करते जाओ, खर्चा उसका कम करते जाओ, तो रुपए की कीमत बढ़ने से इज्जत बढ़े, संपत्ति की कीमत बढ़े और सारी दुनिया में अंत में भारत की कीमत बढ़े, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, समृद्धशाली हो, स्वदेशी हो, स्वाभिमानी हो, किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो, देने वाला देश बने, लेने वाला देश ना हो। यह सब किसानों की ताकत से और विश्वमुक्त खेती और समृद्ध किसानों की ताकत से हो सकता है। ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो आज विश्वमुक्त खेती से समृद्ध किसान और स्वस्थ भारत का हमको निर्माण करना है, एक बहुत बड़ी संकल्पना है ये। इससे देश के 10-12 लाख करोड़ रुपए जो कीटनाशकों में, जो रासायनिक खादों में और जहरीली दवाओं में बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लोगों की बेमौत मृत्यु हो रही है, बेमौत जो मर रहे हैं बीमारियों के कारण से, उनको हम बचा पाएंगे। हर वर्ष करोड़ों जो पशु मर रहे हैं उनकी हम रक्षा कर पाएंगे, आत्मरक्षा कर पाएंगे, देश के 115 करोड़ लोगों की जिंदगी को हम बचा पाएंगे। और अभी इसमें एक तरीका हम और जल्दी निजात करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जहां पानी बहुत कम होता है, वहां पर पशु पालना बहुत मुश्किल होता है। अब इस वक्त सबसे बड़ी समस्या पशु पालने में यह आ रही है कि पशुओं का जो चारा है वो अनाज के भाव बिक रहा है, 8-10 रुपए किलो सूखा चारा मिल रहा है, 7-8 रुपए किलो हरा चारा मिल रहा है। अब 7-8 रुपए किलो हरा चारा पशु को खिला के उससे दूध लेकर के क्या किसान बचा लेगा, बहुत बड़ी समस्या। और जहां पानी की कमी है वहां हरा चारा पैदा करने में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा विचार चल रहा है, कार्य योजना हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी ही उसमें आपको एक बहुत खुशखबरी देंगे। अब 1 किलो हरा चारा पैदा करते हैं तो उसमें करीब 90-100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो हरा चारा पैदा करने में करीब 100 लीटर पानी खर्च हो रहा है। एक ऐसी तकनीक हम आपको उपलब्ध कराएंगे कि जिसमें 1.5 लीटर पानी में 1 किलो हरा चारा मिल जाएगा।
जय माता दी। माई ड्रीम आर मेकिंग ए फाइव फॉर हिटर द वाइट हिट इन बेस्ट ऑफ दिस कल्चर दैट्स फॉर यू टू एक्सपीरियंस इट आई केयर फॉर हिम Luxurious dreams, 24-hour coffee shop.